हाँ जी, राधे राधे सबको। राधे राधे जी। जी यस सर, राधे आप जी, ये राधे राधे गुरु जी। हाँ सर, जो पहले हमने अटेंड किए उनको हम लोग अलो नहीं करते। सर आपने सर हाँ जी, सबको राधे राधे, सबको राधे राधे। अपना अपना वीडियो ऑन रखिए, सबको राधे राधे। चलिए सबसे पहले अपने अपने गुरुओं को, इष्ट देव को याद कर ले, ताकि हमारी ये जो कार्यशाला है ये पूरी 100% फ्रूटफुल हो। ऐसी मंगल याचना के साथ हम शुरू करें। चलिए जी, मैं जितेंद्र जैन आपका पोस्ट पोस्ट और ये पूरी क्लास को मैं संचालन करूंगा। हाँ जी, अपना अपना वीडियो ऑन रख लीजिए, थोड़ा इजी रहेगा, नहीं तो भूतों को, भूत प्रेतों को पढ़ाने से जो दिखते नहीं है वो भूत प्रेत होते हैं। हाँ जी बोलिए हाँ जी नाम जो था चलिए जल्दी जल्दी से अपने अपने वीडियो ऑन रखिए। हाँ जी चले, मैं जितेंद्र जैन आपका दोस्त, मेंटर, कोच, आप सबका अपने सहज वास्तु परिवार में स्वागत करता हूं और आप सबकी मंगल को ऐसी उस परमात्मा से याचना करता हूं ताकि आपका जीवन सुखमय हो, सुंदर हो और सुख, शांति और समृद्धि से भरा हो। ये जो 5 दिन की न्यूमरोलॉजी की जो वर्कशॉप होने जा रही है, उसमें मैं क्या क्या आप लोगों के साथ साझा करने जा रहा हूं। सबसे पहले मैं करने जा रहा हूं बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्या क्या होंगे उसके बारे में, देन लो शोगिट कैसे बनाते हैं, क्यों बनाना है, फिर उसके साथ साथ उसके 64 कॉम्बिनेशंस के बारे में मैं आपसे डिटेलिंग करूंगा और साथ साथ आपके क्वेश्चन आंसर लूंगा और आने वाले पेड कोर्सेस के बारे में भी आपको मैं डिटेल डिस्कशन करूंगा। तो आज का ये दिन है, फर्स्ट डे है और इसकी जो टाइमिंग है 8:30 to 10 o'clock तक रहेगी, 10 to 10:30 के बीच में, और ये 5 दिन चलेगी फ्राइडे तक। इसकी रिकॉर्डिंग मिलेगी यूट्यूब पर और लास्ट 3 दिन की, मतलब 5 दिन की मिलेगी रिकॉर्ड, 5 दिन में से 3 दिन की रिकॉर्डिंग मिलेगी यूट्यूब पर और 2 दिन की रिकॉर्डिंग मेरे ऐप पे मिलेगी, क्योंकि वो मेरे अपने रिसर्च पार्ट है, वो है आप लोगों के साथ, मतलब पब्लिक लेवल पर मैं शेयर नहीं कर सकता। ओके, आप लोगों ने मेरे बारे में तो पढ़ चुके होंगे तो मैं इससे ज्यादा वो नहीं करूंगा उसको। हाँ जी, इतना ही बताऊंगा कि ये मेरा वेबसाइट है, यूट्यूब चैनल है, फेसबुक, इंस्टाग्राम है, उससे भी आप जुड़कर बहुत सारी लर्निंग कर सकते हो, चाहो तो जुड़ सकते हो, लेफ्ट टू यू। ओके, इस कोर्स के अंदर नुमरो फाउंडेशन, नुमरो चार्ट, 64 कॉम्बिनेशन और रेमेडी के साथ साथ रिपोर्ट कैसी लिखनी है इसके बारे में मैं आपको डिटेलिंग करूँ। ये है मेरे कॉन्टैक्ट नंबर्स, यू कैन सेव विथ योर मोबाइल नंबर 8125711467 फॉर फ्यूचर, कभी भी आपको जरूरत पड़ सकती है। ये मेरा वेबसाइट है, यू कैन गो एंड रीड कंप्लीट अबाउट मी। मेरा कोई भी क्वेरीज है तो आप sahajsupport@sahajvastu.com डाल सकते हो और मैं बेसिकली फ्रॉम हैदराबाद। ओके, माय ऑफिस इन रो नंबर 1 बंजारा राइट। ये था थोड़ा सा इंट्रोडक्शन। अब थोड़ा सा मैं अपने बारे में बता दूं, आई हैव डन माय 3 PGs और आई वर्क एज ए 5 ईयर्स एज ए लेक्चरर, 17 ईयर्स इन द IT इंडस्ट्री। आई वॉज विथ वन ऑफ द बेस्ट कंपनी ऑफ द वर्ल्ड एज ए प्रोग्राम मैनेजर, जहां पर मैं इंश्योरेंस बैंकिंग प्रोजेक्ट्स को मैं हैंडल करता था। फिर 2012 में मेरी दशा ऐसी चेंज हुई, मैं टॉप से बॉटम पर आ गया फैमिली कंफ्लिक्ट के कारण, और
आई गॉट सेपरेटेड, देन आई कन्वर्टेड माई हॉबी इंटू प्रोफेशन, दिस वर माई हॉबीज। तो मैंने फिर 2 साल पूरा रीलर्निंग की और देन आई कन्वर्टेड फ्रॉम आईटी टू ऑकल फील्ड। बट बचपन से मुझे बहुत ही जिज्ञासा होती थी और मैं कई बार तो साधु बन जैन मुनि बनने की कोशिश किया था, बट हुआ नहीं। 1 मिनट मैं अपनी 1 सेकंड। हाँ सर जी, हाँ सर, मैं क्लास ले रहा हूँ सर, प्लीज स्टार्टिंग क्लास ले रहा हूँ। ओके ओके, अर्जेंट है क्या? चलो चलो, हाँ जी सॉरी, मैं वो डिजिटल मार्केटिंग वाला कर। हाँ जी, तो जो बचपन से एक जिज्ञासा थी उसको मैंने फिर अपने प्रोफेशन में कन्वर्ट किया और लास्ट 2012 से शुरू की जर्नी। 2015 में मैं आई गॉट कंप्लीटली हैंड्स ऑन द प्रैक्टिस ऑफ न्यूमरोलॉजी, वास्तु, एस्ट्रोलॉजी, एस्ट्रो वास्तु, और जब से ये पिछले लगभग 8-9 साल से आई ट्रेंड मोर देन 5000 प्लस स्टूडेंट्स एंड लगभग 13000 क्लाइंट्स को मैं सर्व कर चुका हूं इन टर्म्स ऑफ न्यूमरोलॉजी, वास्तु, हीलिंग्स। तो ये जो यात्रा है स्टार्ट हुई है एक नए मोड़ से और इस यात्रा को लगभग 10,000 लोगों को इस साल ट्रेनिंग देने की इच्छा है, वो भी पेड कोर्सेस में। दिस इज वेब, ये तो वर्कशॉप की बात नहीं कर रहा हूँ। ओके, वी आर वर्किंग ऑन दैट वन एंड वी हैव अचीव्ड लगभग 700 लोगों को अभी तक हमने पिछले 4 महीने से हमने ट्रेनिंग दी है ऑन 9 की स्टार नंबर। ये भी आपसे साझा करूंगा कि ये 9 की स्टार नंबर है क्या और बाकी न्यूमरोलॉजी के साथ क्या कनेक्शन है या क्या डिफरेंस है, व्हाई वी नीड ए 9 की स्टार न्यूमरोलॉजी जबकि लोशो गेट बेस्ड न्यूमरोलॉजी है, तो फिर इसकी क्या जरूरत है, वो आप लोगों से कल या परसों में चर्चा करूंगा। और आज शुरू करते हैं अपना फर्स्ट डे। आर यू रेडी? रेडी हो? हाँ जी, एक बार जोर से बोलिए, जोर से। मुझे भी अच्छा जारी लगेगा, मुझे भी जोश आएगा, तो फिर मैं भी उत्साहित से पढ़ा के जाए, बोला अंक है, भाग गया अंक है, चलो हो गया क्लास। तो रेडी मैं सर, कहूँ, रेडी सर, हाँ जी, रेडी 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 मैं कहूंगा पूरा कि जो रेडी। जो वीडियो ऑन ने रखे हैं, वीडियो ऑन रखिए, दैट इज कंपलसरी है, फर्स्ट एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज है, क्योंकि 2 चीजों में आप कभी भी बट नहीं सकते, सीख नहीं पाओगे। एटलीस्ट सर आप 5 दिन में आप कम से कम एक अच्छी तरह से सीख पाओगे और इसको आप इम्प्लीमेंट कर पाओगे, आपके छोटे मोटे प्रॉब्लम तो आप इसी तरह से सॉल्व कर पाओ। हाँ, शालेश पटेल जी से बोलूंगा कि वो टी शर्ट पहन के आए। हाँ सर, थैंक यू सर, थैंक यू। चलिए जी, बाकी लोग नहीं किए हैं वीडियो प्लीज ऑन कर लीजिए, अदरवाइज मैं बैक एंड टीम विल रिमूव, वो फिर बोलना, फिर बाद में वापस ज्वाइन नहीं हो पाओ। हाँ जी, बैक एंड टीम मेरी रिमूव कर देगी तो फिर आप ज्वाइन नहीं कर पाओगे, फिर मैं बोलना मत कि मैं नहीं ज्वाइन कर पाया। चलिए जी, कौन बताएगा न्यूमरोलॉजी? सर, मैं हाँ जी, तो बाहर ही बाहर रहिए एक आप। 5-10 मिनट में वीडियो ऑन कर। हाँ जी, तो ये जो जो मैं टीचिंग करूंगा इट इज कंप्लीटली इंटरेक्टिव है, तो इस बात का सुनिश्चित करें कि आपके पास से कोई डिस्टरबेंस ना हो, क्योंकि ये चीजें जो है इंटरेक्टिव पढ़ा सकती हैं, ऑन द स्पॉट पढ़ाना पड़ता है। ये ऐसा नहीं कि मैं 1 घंटे के बाद आपके क्वेश्चन आंसर ले, वो तो गलत सिस्टम है मुझे लगता है, क्योंकि पिछले 85-87 से मैं पढ़ाते आ रहा हूँ। मैंने अपने तीनों पीजी की फीस मैंने अपने ट्यूशन से निकाली, तो टीचिंग इज माई हॉबी है, पैशन भी है, इसीलिए मैं टीचिंग को ही अडॉप्ट किया अपार्ट फ्रॉम माई कंसल्ट। चलिए जी, कौन बता पाएगा कि न्यूमरोलॉजी क्यों चाहिए? कौन बता पाएगा न्यूमरोलॉजी, व्हाई डू वी नीड न्यूमरोलॉजी, क्या नेसेसिटी है न्यूमरोलॉजी की? कौन बता पाएगा? हैंड राइज कर लेना। हाँ जी, या हाँ जी, हैंड राइज कर, क्यों चाहिए? नहीं, ये हैंड राइज नहीं, जूम का हैंड राइज करें तो ऊपर ऊपर आ जाते हैं। हाँ जी, और कई लोगों के क्वेश्चन आंसर भी लूंगा मैं, और जो लास्ट दिन तक रहेगा उसके एक की मैं न्यूमरोलॉजी एट कंसल्टेंसी दूंगा एट फ्री ऑफ कॉस्ट। हाँ जी सर जी, हाँ जतिन जी,
लक के लिए, और हाँ लक के लिए लक। लक के लिए नंबर यूज करोगे। हाँ, और ओके दूसरा पढ़ जो अपना जो वो दूसरा है वो अपनी प्रोफेशन के लिए, और ओके घर में पढ़ भी सबका। हाँ, क्या है। बढ़िया है। ओके चलिए गुड। हाँ जी अमृत, अमृतलाल चाक पर क्यों यूज यूज करेंगे? सर ये नंबर्स है, नेचुरल नंबर्स 1 to 9, और ये इनसे वाइब्रेशन निकलते हैं एंड ओके दे अफेक्ट अवर डे टू डे लाइफ। क्योंकि अपन अपनी जिंदगी के अंदर अपन जो है मोबाइल यूज करते हैं, फिर बैंक अकाउंट रहे, 2 व्हीलर 4 व्हीलर के नंबर रहते हैं, मकान के नंबर रहते हैं, और ये जो नंबर्स है इनसे वाइब्रेशन निकलता है, एनर्जी निकलती है, और दैट एनर्जी अफेक्ट्स अवर डे टू डे लाइफ। देयर फॉर ओके तो वी आर रिक्वायर टू स्टडी द नंबर। कहाँ पर अफेक्ट करती? आपने तो बोल दिया अफेक्ट करती है, बट कहाँ पर अफेक्ट करती? हाँ जी चलिए जी विजय बताइए क्यों चाहिए अपने नंबर। सर मैं जितना मैं जानता हूँ सर, मेरा बर्थ 13 तारीख का है, 13 जनवरी का। तो सर बचपन में जैसे 13-14 साल की उम्र में सीखना शुरू किया थोड़ा बहुत इधर से देख के, तो 3 और 1 4 हुआ, तो मेरी जिंदगी में ये 4 नंबर बार बार आता है। जैसे मैं जब मैं जॉब में गया तो मुझे नंबर 2229 मिला, वो 9211 2 4 था। जिस स्कूल में मेरी सबसे पहले एडमिशन हुई उसका नंबर था 688 नंबर कोठी, 8 8 16 और 6 22 2 2 4। मेरे पासपोर्ट का नंबर क्या टोटल करता हूँ वो भी 4 आता है। तो मेरी लाइफ में वो जो 4 नंबर है वो ऐसे ऐसे संयोग बन रहे हैं कि बार बार टोटल करता हूँ तो 4 आता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि कुछ इसमें न्यूमरोलॉजी को इफेक्ट कर रही है। आपने जैसे बोला ना मेरा सब 9 9 9 आता है, जी मेरा मूलांक 9 है, मेरी शादी 9 है, मेरा सेपरेशन जी 9 है। जी हाँ जो जो कंपनसेशन दिया वो 7.2 करोड़ वो भी 9 है। जी ओके ये इस ऑफिस में आया वो भी 9 है, जिस कंपनी रजिस्ट्रेशन करवाया था वो 9 है, जब ISO सर्टिफिकेट मिला था वो भी 9 आया एक्सीडेंटली। ओके मेरी 2 व्हीलर का जो है वो भी 9 है, मेरे कार का भी 9 है। जी 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 अब वो 9 मेरे को फॉलो कर। जी सर, उसमें मैं एक चीज ऐड करना और चाह रहा था सर, हाँ से मेरी जॉब को 12 साल पूरे हुए, जिस दिन 12 साल पूरे हुए 13वां साल शुरू हुआ उस दिन मुझे क्वार्टर लॉट हुआ, और क्वार्टर का नंबर भी 13 था, 3 1 4। ओ जी बढ़िया तो गुड ऑब्जर्वेशन, मतलब आप लोगों से जानते हो जी तो आपने। बाकी सिर्फ थोड़ी सी नॉलेज है कि ये 4 बार बार आ रहा है, वो मैंने नोट भी करे हुए हैं अपनी डायरी में, लेकिन क्यों आता है कैसे आता है वो इससे ज्यादा नहीं पता। बढ़िया आपका मूलांक क्या है? 4 है ना? हाँ जी, 13 मेरा बर्थ है तो मैं 4 ही हाँ 4। समझता हूँ, भाग्यांक क्या है? ये नहीं मेरे को पता भी। ओके ओके ठीक, और कौन बताएगा? हाँ जी मौसमी दत्त। हाँ जी सर गुड इवनिंग सर। हाँ जी कहाँ से हो? सर मैं दिल्ली से हूँ हाँ जी सर। आई थिंक न्यूमरोलॉजी सर, आई एम सॉरी मेरा वॉइस थोड़ा, आई एम अ टीचर तो हो, बोल बोल के वॉइस पूरा बैठ गया है सर। मुझे लगता है हमारा दुनिया जो है वो नंबर से ही है, तो दैट्स व्हाई नंबर अफेक्ट आर लाइफ द मोमेंट वी गेट अप टू द टाइम वी स्लीप। ओके गुड, और कोई बताना पाए चाहेगा? नुमरोजी क्यों जरूरत? हाँ जी बताइए कामेश्वर, अनमिट कर लीजिए, अनमिट कर लीजिए। जी, थैंक्स फॉर द अपॉर्चुनिटी। थैंक यू सर। सर मुझे लगता है कि इंसान का सबसे बड़ा जो फैसिनेशन है, दैट इज टू अंडरस्टैंड हिज फ्यूचर। और आज के जो प्रॉब्लम्स हैं, जिस तरीके के सिचुएशन में हम लोग हैं, हम क्या करें, कैसे करें, आगे कैसे बढ़े, इसके लिए एस्ट्रोलॉजी अपने आप में एक बहुत बड़ा टूल बन गया है। और इस टूल में न्यूमरोलॉजी का एक अपना एक अलग ही स्थान बन गया है। इसका कारण ये है कि एक तो ये
आजकल लोगों को बहुत आसानी से समझ में आ रहा है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि किसी के पास टाइम डेट, उनका डेट ऑफ बर्थ तो रहता है, टाइम सही नहीं रहता, कुछ और प्रॉब्लम होता है, जगह सही नहीं रहता, बहुत कुछ होता है, लेकिन सिर्फ डेट ऑफ बर्थ के साथ भी काफी हम लोग न्यूमरोलॉजी में बहुत कुछ प्रिडिक्ट कर पाते हैं और लोगों की सही सहायता कर पाते हैं आने वाले तकलीफ का कुछ ना कुछ उनको, मतलब वो क्या बोलते हैं, इमरजेंसी वार्निंग दे देते हैं कि भाई हो सकता है ये तकलीफ आपको। तो न्यूमा मुझे लगता है कि ये बहुत जरूरी चीज है। मुझे न्यूमरोलॉजी के बारे में कुछ भी नहीं पता, सिर्फ 10-15 दिन हो गए, बहुत सारे वीडियो देख रहा हूँ ओके लेकिन मेरे को चल, ये विश्वास है कि ये 5 दिन के बाद मैं बहुत कुछ समझ पाऊंगा इस बहुत चीज को बहुत बहुत लेके। खुश रखा हूँ। पर जी आपको, आपने एक स्टेटमेंट करेक्शन कर देता हूँ कि विदाउट डेट ऑफ बर्थ, सॉरी विदाउट टाइम ऑफ बर्थ प्रिडिक्शन जी अच्छा करना नाइंसाफ, नाइंसाफ ही आगे वाले। ओके मैं 9 की स्टार न्यूमरोलॉजी में मैं टाइम ऑफ बर्थ तो भी लेता, ओके 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 मैं बात दैट्स बता। वेरी डिफरेंट दैट आई एम हियरिंग, क्योंकि यस पिछले 10 दिनों यस, के वीडियो में कहीं पे मैंने ये चीज नहीं देखा। नहीं देख, कोई नहीं कंसीडर करता, ये मेरा अपना खुद का रिसर्च। ऑसम नाइन की ऑसम नाइन की स्टार न्यूमरोलॉजी मेरा अपना खुद का रिसर्च है, टोटल डिफरेंट फ्रॉम एनी बडी। ओके और ये ओके 99.999% एक्यूरेसी, वाह बाकी लोसो ग्रिड जो बेस है वो 50% की बिहेव, लोसो ग्रिड जो बेस आपने सुना होगा वो बिहेवियर पैटर्न को समझने, जी वो प्रिडिक्शन करने के लिए नहीं, ओके जी नहीं ना इंसाफ। चलिए, जी और कोई बोलना चाहेगा? चलिए, नहीं तो मैं शुरू करता हूं। अब बोलिए, किसी की भी डेट ऑफ बर्थ में क्या क्या हो, क्या क्या हो? मैं थोड़ा टेढ़ा क्वेश्चन है, इंटरेक्टिव रखिए, बहुत कुछ लर्निंग सीखिए, इसलिए मैं अनम्यूट नहीं करता हूँ, सॉरी म्यूट नहीं करता हूँ, अनम्यूट करके बात कर सकते। फिर हाँ बोलिए, डेट ऑफ बर्थ में क्या क्या हो? सर, जी जन्म जी की एम एम तारीख, भावे, हाँ 1 मिनट, हाँ जी, जन्म की तारीख, जन्म का महीना, जन्म का साल, जन्म का समय और जन्म का स्थान। ओके फाइन। और कौन, और सर ये भावेश जैन क्या बोल? वही डेट, महीना और सीआर। और कोई बोल पाएगा डेट ऑफ बर्थ में क्या हो? अरे नंबर होते हैं, 129 नंबर, और क्या होते हैं? कुछ भी नहीं होते। सही यस यस, सही 129 नंबर तो है, राइट और क्या है सर, इसमें? कुछ भी नहीं है ना, है क्या? कुछ तो भी, कुछ भी राइट नहीं है। सर, कुछ अब भी वो 129 नंबर में से हम इतना कुछ प्रिडिक्ट कर सकते हैं किसी के बारे में, भविष्य के बारे में, प्रॉब्लम्स के बारे में, इवन उसके तहत तक जा सकते हो, इवन यू कैन फाइंड विद 9 की स्टार एस्ट्रोलॉजी अभी क्या कर रहे हो आप, इस वक्त क्या कर रहे, ये भी डिटरमाइन कर सकते। चलो, नंबर में क्या है डेट ऑफ बर्थ में? 129 नंबर्स कट है। सबसे पहले अपनी अपनी डेट ऑफ बर्थ लिखिए, डी डी एम एम वाई अच्छा वाई फाइव, हाँ जी, अपनी अपनी डेट ऑफ बर्थ लिखिए। डेट ऑफ बर्थ में क्या होता है, फॉर्मेट क्या होता है? डी डी एम एम वाई 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 फॉर्मेट पे हम यूज करते हैं, देयर मेनी फॉर्मेट, बट हम एशिया में यही फॉर्मेट जनरली हर जगह वही। अब डेट ऑफ बर्थ में क्या है? 129 नंबर ही। आपकी डेट ऑफ बर्थ में कुछ नंबर नहीं होंगे, 129 नंबर में आपके डेट ऑफ बर्थ में कुछ नंबर नहीं होंगे। नंबर इसमें से कोई ना कोई एक नंबर
मिसिंग होगा, दो नंबर मिसिंग, कुछ नंबर रिपीटेशन होंगी, दो बार आ रहा होगा, तीन बार आ रहा होगा। जैसे एग्जाम्पल आज 22/07/2024, तो चार बार क्या आ रहा है, दो आ रहा है, चार बार भी आ सकता है डेटा। ओके, अब आपकी डेट ऑफ बर्थ में क्या रहस्य छुपे हैं, कोई बोल सकता है? आपकी डेट ऑफ बर्थ में क्या रहस्य छुपे हैं, बोल सकते हो? कोई बोल सकता है? आपके लिख लीजिए, आपकी डेट ऑफ बर्थ में चार पॉइंट्स हैं जो छुपे हैं, जो मैनेजमेंट में होंगे वो जानते हैं, SOW, SWOT, स्वॉट एनालिसिस। आपकी डेट ऑफ बर्थ है स्ट्रेंथ और वीकनेस, आपके स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेसेस क्या है, ये जानने की, पहला SW। दूसरा होता है OT, OT का मतलब अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स। अपॉर्चुनिटी थ्रेट्स मतलब गुड टाइम बैड टाइम, या फ्यूचर इवेंट्स, या भविष्य, आप कुछ भी बोल सकते। भविष्य में क्या होता है, अच्छा टाइम भी आएगा, बुरा टाइम भी आएगा। एक अलग नोट्स बना लीजिए, पेपर लिख, इसमें लिखते जाइए, ताकि थियोरमेट्रिक्स काम आया, जो 5 दिन आप और मैं इन्वेस्ट कर रहे हैं, कोई ना कोई जरूर काम आए। तो रफ में नोट्स बनाना सीखिए। हाँ जी, तो आपकी डेट ऑफ बर्थ में क्या क्या छुपे हैं, SWOT स्ट्रेंथ, यस फॉर स्ट्रेंथ, डब्ल्यू फॉर वीकनेसेस, ये दो अलग है, स्ट्रेंथ और वीकनेस। दूसरा होता है OT, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स, ये कहां पर आते हैं, फ्यूचर इवेंट्स में आते, या उसको एनालिसिस बोलो, भविष्य बोलो, लाइफ में अप्स एंड डाउन बोलो, जो भी भविष्य की बात हो। मतलब आपकी डेट ऑफ बर्थ में से आपके स्ट्रेंथ और वीकनेसेस भी जानना जरूरी है। हम कोई भी चीज खरीदते हैं तो हम लोग क्या देखते हैं उसमें, वो कितने दिन चलेगी, कितने दिन काम आएगी, टिकेगी नहीं टिकेगी, मल्टीपल टाइम यूज कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, ड्यूरेबिलिटी है नहीं है, कॉस्ट इफेक्टिव है नहीं है, मल्टीपल यूजर्स यूज करते नहीं कर सकते हैं, यही करते हैं ना अपना बजट बनाने के लिए। तो वो हम एक्चुअली हम देख रहे हैं स्ट्रेंथ और वीकनेस, उसके स्ट्रेंथ और वीकनेसेस। तो आपकी डेट ऑफ बर्थ में आपके स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेसेस क्या है, और अपॉर्चुनिटी क्या आने वाली है, और थ्रेट्स क्या है, ये जान सकते हैं आपकी डेट ऑफ बर्थ। आपकी डेट ऑफ बर्थ से इतना कुछ जान सकते हैं, आपका भविष्य कैसा रहेगा, आपकी फाइनेंशियल कंडीशन कैसी रहेगी, मैरिज के बारे में, हेल्थ के बारे में, प्रमोशन के बारे में, मनी रिलेटेड, जॉब रिलेटेड, फॉरेन सेटलमेंट कर पाओगे नहीं कर पाओगे, या फॉरेन जाना है, टूर जाना है, या कोई कई इवेंट में जा रहे हो। कितने लड़के होंगे, लड़कियों के साथ कैसा संबंध रहेगा, अपनी वाइफ के साथ कैसे संबंध रहेगा, ये तो इवन यू कैन प्रिडिक्ट डेथ विथ न्यूमरोलॉजी, इवन यू कैन प्रिडिक्ट डेथ विद न्यूमरोलॉजी, यानी आप इतना कुछ कर सकते हो न्यूमरोलॉजी से, मगर है कितने नंबर, 1 to 9 नंबर ही है। फिर क्या डिस्क्लोज करते हैं आपके बारे में, बहुत कुछ डिस्क्लोज करते हैं। एग्जाम्पल के लिए, आप स्विगी से कुछ आइटम खरीदते हो, फूड आइटम होटल से मंगाते हो, आप खाली फूड मंगा रहे हो, स्विगी के लिए क्या आ रहा है बता, क्या क्या आ रहा है बताओ, आपकी मोबाइल नंबर मिल रहा है, आपका गूगल पे नंबर, आपका ट्रांजैक्शन मिल रहा है, अमाउंट कितना ट्रांजैक्शन किया ये पता चल रहा है, आपकी कैपेसिटी पता चल रही है, सेकंड आप वेज हो नॉन वेज हो ये पता चल रहा है, प्राइंग रेगुलर बेसिस पे पता चल जाता कि आप वेज हो नॉन वेज हो, आप स्वीट मंगा रहे हो ये पता चल जाए कौन से स्वीट आप लाइक करते हो। मैं वो वेजिटेरियन हूँ, मैं नॉन वेज मंगाता ही नहीं, मैं गूगल पे से एक भी ट्रांजेक्शन नॉन वेज का नहीं। वर्कशॉप भी लेता हूँ तो आई वॉन्ट सर्व नॉन वेज, ओनली प्योर वेजिटेरियन। तो पता है कि मेरे अकाउंट से कभी भी नॉन वेज गया नहीं, पता है आपको, इतना इंफॉर्मेशन मिल रहा है, मैं
कौन सी होटल से मंगाता हूँ उनको पता है, कौन से टाइम पे मंगाता हूँ पता है, कौन से डे में मंगाता हूँ पता है। इतने बड़े इंफॉर्मेशन आप स्विगी को दे रहे हो, अमेजॉन को वैसे दे रहे हो, कौन से प्रोडक्ट का खरीद रहे हो। ओके आप कहीं भी ट्रांसैक्शन करते हो तो पता चल जाता है ना कि कौन सी आइटम कहाँ से खरीद लो, कौन का टर्न हो, कितना कर रहा है, कहाँ कहाँ इन्वेस्ट कर रहा है, कैसे कर रहा है, पता चल जाता है। यानी इंफॉर्मेशन है नहीं है, ये डाटा है, अरबों रुपए का डाटा है। व्हाट्सएप पे आप किसको मैसेज दे रहे हो, आपके फ्रेंड्स कौन है, ये पता चल जा रहा है। कितना बड़ा इंफॉर्मेशन पता है, आपके लाइक्स और डिसलाइक पता चल रहे हैं। ये क्या करती है कंपनी, डाटा को लेकर एनालिसिस करती है। ओके वैसे ही हम लोग क्या करेंगे, न्यूमरोलॉजी के अंदर डाटा को लेकर एनालिसिस करेंगे। किसकी डाटा को, आपके डेट ऑफ बर्थ की डाटा, आपके डेट ऑफ बर्थ को लेकर एनालिसिस कर। यानी व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट, आपकी डेट ऑफ बर्थ में इतना कुछ रहस्य छुपा हुआ है, आपकी डेट ऑफ बर्थ का, यानी आपके पास फ्यूचर और करंट प्रॉब्लम के साथ साथ आपके सब कुछ इंफॉर्मेशन मिल सकता है। खाली डेट ऑफ बर्थ ही DDMMYY, यानी यानी कोई क्या बोल सकते हो, कोई बोल पाएगा, यानी कौन बोल पाएगा, मेक इंटरेक्टिव। मैं मेरी वेबिनार नहीं है, मैं यहाँ पर, दिस इज नॉट ए वेबिनार, दिस इज क्लास है, इसलिए मैं किसी को म्यूट नहीं करता। डेट मंथ एंड ईयर नहीं, हाँ डेट ऑफ मंथ में क्या क्या मिल रहा है, पूरा लाइफ का आपका लेखा जोखा मिल रहा है लाइफ, आपकी डेट ऑफ बर्थ पता चल जाए तो मुझे मालूम पड़ जाएगा कि आप किस हालत में हो। ओके आरती जी, आपके चार्ट में 3 नंबर मिसिंग है क्या, डेट ऑफ डेट में 3 नंबर नहीं आता क्या। टू हाँ जी नहीं, 3 नंबर है क्या, अनम्यूट कर लीजिए, अनम्यूट कर लीजिए, अनम्यूट कर। 29 जुलाई है मेरी नहीं, 3 नंबर नहीं है ना आपकी डेट ऑफ बर्थ। जी, नहीं है। अब डेट ऑफ बर्थ से क्या क्या कर सकते, क्यों चाहिए हमें डेट ऑफ बर्थ। पर मेरे डेट ऑफ बर्थ में 3 नंबर है, नाइनटीन नहीं, एट उनकी उनकी, उनकी बात कर रहा था ना, उसकी बोल। हाँ जी, तो डेट ऑफ बर्थ से कैसे एक्सट्रैक्ट करें हम लोग डेटा। भाई मैंगो है, मैंगो का पल्प बनाने के लिए क्या चाहिए, मैंगो चाहिए ना, फिर मैंगो से पल्प बनाना है, फ्रूटी बनानी है, बेस क्या है, मैंगो है, उस मैंगो से क्या निकालना है हमें पता होना चाहिए, कोई भी एक्सेप्ट करना है। चल लेट्स स्टार्ट। न्यूमरोलॉजी इज नथिंग बट ए डाटा ड्रिवन अप्रोच, आपकी डेटा पर जो है उसको एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, और वी आर कैलकुलेटिंग मेनी वैल्यूज। लगभग मैं 5,000 डाटा निकाल सकता हूं आपकी डेटा पर, 5,000 टाइप्स ऑफ डाटा आई कैन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द डेटा, बट नॉर्मली हमें एक 85 से 100 की जरूरत पड़ती है, उससे ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती, बट वी कैन एक्सट्रैक्ट अप टू 5,000 डाटा। मैंने जो ट्राई किया, डाटा मतलब नंबर 1 to 9 नंबर, वो आपके एनालिसिस में सपोर्ट मिलेगा और सहयोग। चल लेट्स स्टार्ट। न्यूमरोलॉजी से मिथ है या साइंस है, कौन बोल पाएगा, एक मिथ्या है या साइंस है। हाँ ऋतिका जी, साइंस हाँ जी, कैसे है सर, बोल सकते हो साइंस है। क्योंकि सर ये नंबर कैलकुलेशन की गेम लगती है मुझे, मतलब अभी मुझे आइडिया नहीं है, मैंने हाँ नहीं, फर्स्ट टाइम ही लगाई है क्लास आपकी, मुझे हाँ, आइडिया नहीं है, पर मैंने जैसे रील्स वगैरह देखी है तो उसमें यही लगता है कि नंबर्स को लेके कैलकुलेशंस है, तो ये साइंस ही होगी। यस साइंस बिट नहीं, ये एक्यूरेट है। अब ये हिडन न्यूमरोलॉजी, साइंस, हाँ जी इट्स अ हिडन साइंस। यस, हिडन साइंस, यू आर राइट। ये इंडियन है या चाइनीज है,
डिराइव फ्रॉम चाइना ओनली, चाइनीज नहीं, इंडियन होगा सर, इंडियन, इट इज प्योर इंडियन, इट इज प्योर इंडियन, नॉट इंडियन है सर, इंडियन है। आपको कई मंदिरों के मैं पिक्चर बता दूं, इन हम जो 3x3 की ग्रिड यूज कर रहे हैं वो हमारे मंदिरों में, आपको प्रूफ के साथ दिखा सकता, मंदिर का से जो खंबे पे चिपके उसी फोटो दिखा सकता। ओके, तो ये इट इज ए प्योरली इंडियन है, बट चाइना जाकर उन्होंने क्या किया, चाइनीज सिस्टम के हिसाब से उसको मोल्डिंग किया। जैसे आपने ड्रेस खरीदा, ड्रेस खरीदा और ड्रेस फिट नहीं हो रहा था, तो आपने क्या किया, अल्टर करा के अपने हिसाब से फिट कर दिया, तो ड्रेस आपने अपने हिसाब से कर दिया। चाइनीज ने क्या किया, अपने वैदिक साइंस को ले जाकर उसको अपने हिसाब से मोल्डिंग। अभी आप देख सकते हो कि दीपावली के दिन जो मंडप जो दिए लगाते हैं उसे पीछे मंडप मानते, आजकल लोगों को पता ही नहीं। ओके, तो वो जो मंडप मानते हैं वो भी एक, वो भी नुमरोजी के हिसाब से, यानी नुमरोजी इज नथिंग बट इज अ साइंस, प्योर साइंस। अब इसको गलत इस्तेमाल करा जाए वो अलग बात, बट इज ए प्योर साइंस, लिख लीजिए नुमरोजी इज ए प्योर साइंस है। ये नुमरोजी जो है एक डाटा ड्रिवन अप्रोच, डाटा ड्रिवन मतलब आप डेट को कैलकुलेट करके स्टेप बाय स्टेप प्रोसेसिंग कर रहे हो, दैट इज कॉल्ड डाटा ड्रिवन अप्रोच, दैट्स कॉल्ड एज डाटा ड्रिवन। ये आपके स्ट्रेंथ और वीकनेसेस को बताती है, डाटा नुमरोजी क्या है, You can find your strength and weaknesses. आपकी कमजोरियों के, आपके स्ट्रेंथ को, वीकनेसेस को जान सकते हैं। आपके ग्रोथ के बारे में we can determine the note. आपके अनलक्की और अनलक्की इवेंट्स ऑफ द लाइफ, आपके लकी अनलक्की या फेवरेबल अनफेवरेबल टाइम ऑफ लाइफ, फेवरेबल अनफेवरेबल टाइम इवेंट्स कुछ भी बोल सकते। आपका पर्सनल ग्रोथ कैसा होगा इसके बारे में हम जान सकते हैं, आपका पर्सनल ग्रोथ कैसा होगा उसके बारे में हम जान सकते हैं। It is a tool to discover about you. Numerology क्या है? एक tool है जो आपके बारे में जानकारी और life के problems को analyze करके solve करना। It will help in analyzing and resolving your life issue, life burning issue. नुमरोजी के द्वारा आप अपने होने वाले जीवन में प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते, हर प्रॉब्लम। हाँ जी, नेक्स्ट है आपके लकी, और इसे बोल दिया हूं, अब इससे फायदा क्या होगा बताओ, सब ये जान लिए फायदा क्या है, कोई बोल देगा जान लिया। और एक लिख सकते हो नुमरोजी, यू कैन नो, you know the behavior patterns of the people. Behavior patterns of the people. Suppose, फायदा क्या इसे जानने को बोल सकते हो, क्यों करनी है हमें ये सब, क्यों आइडेंटिफाई करना है, कौन बोल पाएगा? हाँ जी, हैंड राइज कर लीजिए जो बोलना चाहता है, क्यों जरूरत है सब करके, फायदा क्या मेरा, कोई नहीं बोल पाएगा, हैंड राइज कर लीजिए बोलना चाहे, नहीं नहीं जूम का, जूम का, हाँ जी बोल लीजिए, क्या जरूरत है सब मालूम कर, आपके आने वाले पूरा समय अच्छा समय है, आपके स्ट्रेंथ जान लिया, बिहेवियर जान लिया, क्या कर लू उनका मैं, अच्छा तो डालूंगा नहीं ना,
हाँ जी बोलिए नीति, क्या कर सकते, क्या कर नहीं सकते। सर, नहीं सर, कुछ भी अपना अगर नेगेटिव है तो उसको पॉजिटिव करने की भी कुछ ना कुछ विधि होगी। तो अभी अगर हमें पता लग जाएगा कि हमारा क्या चीज नेगेटिव चल रहा है तो हम उसको अपना सही कर पाएंगे। तो इसलिए जानना पहले बीमारी का जानना मतलब हमें आवश्यक है, फिर उसके बाद उपचार भी कोई ना कोई होगा तो वो भी आपके द्वारा हमें जानकारी मिल जाएगी सर। यानी डिसीजन मेकिंग के लिए बहुत प्रयोग होता है आपके ये जी सब चीज। सपोज आपको पता चल गया कि आपको कोई मेडिकल टेस्ट करवाया, कुछ पता चल गया एक्स वाई जेड बीमारी का, तो क्या कर सकते हो आप, प्रिवेंट कर सकते हो। जी जी सर जी जैसे मैंने पिछले हफ्ते टेस्ट करवाया था, मेरा विटामिन B12 कमी निकली, तो मुझे पता चला कि मेरे जी पैर क्यों दर्द रहे। जी हाँ, तो मुझे पता चल गया, तो क्या किया मैंने, डॉक्टर से कंसल्ट किया आज और विटामिन डी टैबलेट की थी और थोड़ा कैल्शियम दिया और मल्टी विटामिन। मतलब क्या हुआ, भैया प्रिवेंशन हो गया ना, तो बिल्कुल सर आप। हो गया। हाँ हाँ जी हाँ जी जी जतिन जी, प्रिकॉशन मिल जाएगा, इसके बारे में फिर हम इसका जो आगे प्रॉब्लम होगी वो हम घटा सकते हैं। यस 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 राइट। ये जो है न्यूमरोलॉजी है, इट इज ए नथिंग बट GPS सिस्टम है, आपको डायरेक्शन देगा कहाँ जाना है, क्या प्रॉब्लम, वे टू डील। सपोज किसी से बनरी नहीं है आपसे, आप दोस्ती कर रहे हो 6 महीने और पता चल रहा है उसका बिहेवियर ऐसा है, तो वाई टू वेस्ट दैट मच टाइम। आप अपने हिसाब से उसको न्यूमरोलॉजी कर लो, कितनी देर में पता चल जाएगा, आधे घंटे में यू कैन कैलकुलेट। अच्छा ये बंदा ऐसा है तो पता चल गया, तो डेट ऑफ बर्थ ले लिया, टाइम ऑफ बर्थ तो पता ही चल जाएगा। 2 साल 6 महीने तक क्यों रुके, 6 से 2 साल तक क्यों रुके, क्यों अपना हाथ जलाए। दैट वे इज न्यूमरोलॉजी कैन हेल्प, अपार्ट फ्रॉम योर ग्रोथ के लिए, आपके आने वाले प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। यू कैन प्रिवेंट, यू कैन कॉल इज ए प्रिवेंटिव मेथड है, ये करेक्टिव मेथड नहीं है, इट इज ए कंप्लीटली ए प्रिवेंटिव मेथड है। क्लियर हो गया, नेक्स्ट। और क्या क्या कर सकते हो अनुभव जी से बताऊं आपको, आप सबसे पहले मनी रिलेटेड प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज क्या है जिंदगी में, मनी है। नेक्स्ट इज रिलेशनशिप, थर्ड वन इज हेल्थ, फोर्थ वन हैप्पीनेस। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट है मनी, मनी है तो बाकी प्रॉब्लम बाय डिफॉल्ट सॉल्व हो जाता है। मनी, अपॉर्चुनिटीज, नए नए अवसर कैसे आएंगे के बारे में, बिजनेस के बारे में कर सकते हो, फॉरेन सेटलमेंट के बारे में कर सकते हो, शेयर मार्केट में यूज कर सकते हो, सट्टा बाजार में यूज कर सकते हो। ओके, और साथ साथ रिलेशनशिप, एजुकेशन और ऐसे अनगिनत डोमेन पर आप लगाकर देख सकते हो। दैट मीन्स यू कैन वर्क आउट ऑल द एरियाज। सपोज आपको शेयर मार्केट में लगाना है, कौन से ट्रेड, कौन से सेक्टर में लगाओ, फिर सेक्टर के अंदर कौन से शेयर में लगाओ, निफ्टी में लगाओगे या बैंक निफ्टी में लगाओगे, किसमें प्रॉफिटेबल होगा, कौन से इक्विटी में लगाना है, कब लगाना है, कब एग्जिट होना है। यू कैन नो सच ए ब्यूटीफुल साइट ऑल द शेयर मार्केट न्यूमरोलॉजी का कोर्स आ रहा है मेरा। हाँ जी नेक्स्ट। चलिए अब जो न्यूमरोलॉजी है, क्या क्या डिफरेंसेस पहले देखिए, न्यूमरोलॉजी और एस्ट्रोलॉजी में क्या क्या डिफरेंस, क्योंकि इनको जानना बहुत जरूरी, इनको जानना बहुत जरूरी है, न्यूमरोलॉजी और एस्ट्रोलॉजी में डिफरेंस क्या है। आज ये शेयर हुआ क्या, कोई बता देगा शेयर हुआ को, चार बॉक्स में बता दीजिए ना, मैं शेयर हूं, मेरे पास एक्सेस नहीं। हो हाँ गया जी सर। हो गया ना, हाँ जी चार बंद कर रहा हूँ वॉइस। तो एस्ट्रोलॉजी और न्यूमरोलॉजी में डिफरेंस क्या है, एस्ट्रोलॉजी टॉक्स अबाउट स्टार्स। अब उसके पहले मैं एक चीज बता दूं, अच्छा रहेगा, उससे पहले एक चीज बता देता हूं,
ये थोड़ा सा समझना और इस बच्चों को भी समझाना ताकि उनको एस्ट्रोलॉजी पर और इस पर बिलीव सिस्टम डेवलप हो। आज के बच्चे बिलीव करते हैं, दे नीड टेक्निकल रीजंस। ये ब्रह्मांड है, ये क्या है? ब्रह्मांड है, ये धरती, समझने के लिए डाल रहा हूं। धरती पर हम लोग हैं, यहाँ कौन है? हम पूरे ह्यूमन बींग्स हैं यहाँ पर। ओके, यहाँ पर पूरे क्या है? यहाँ पर पूरे प्लैनेट्स हैं, ये ब्रह्मांड में गैलेक्सी के अंदर पूरे ये हैं। अब यहाँ पर एक्चुअली एस्ट्रोलॉजी और न्यूमरोलॉजी में क्या कर रहे हैं, इस प्लैनेट का प्रभाव, इन सभी प्लैनेट का प्रभाव हम पर कैसे पड़ता है, इसकी पूरी जानकारी हम प्राप्त करते हैं थ्रू डिफरेंट मेथोडोलॉजीज। यानी प्लैनेट का क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है हमारे ह्यूमन बींग पर, उसको जानने की कला ही जो है न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी, या उसे कहते हैं जो भी बोलना, ना एस्ट्रोलॉजी बोलो, न्यूमरोलॉजी बोलो, टैरेट बोलो, हीलिंग बोलो, वास्तु बोलो, सब एक ही है। इसके प्रभाव को समझ रहे हैं हम, कौन से प्रभाव को? एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, टैरेट, वास्तु, एस्ट्रो वास्तु, फिर हीलिंग, साइकोलॉजी, ये सब क्या कर रहे हैं हम लोग? वी आर यूजिंग डिफरेंट मेथड टू डिटेक्ट, ऐसा बोल सकते हो, ये डिफरेंट मेथड हम यूज कर रहे हैं हम पर होने वाले प्रॉब्लम की। कौन से प्रॉब्लम का इम्पैक्ट? प्लैनेटरी इम्पैक्ट, प्लैनेट्स का जो इम्पैक्ट हो रहा है उसको स्टडी करना है, तो वी नीड डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स है, बट उनका बेस क्या है? उनका बेस है प्लैनेट ही है। एस्ट्रोलॉजी ले लो, न्यूमरोलॉजी ले लो, टैरेट का वास्तु ले लो, एस्ट्रो वास्तु ले लो, हीलिंग ले लो, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम भी जो होते हैं वो सब प्लैनेटरी इम्पैक्ट्स के होते हैं। जो प्लैनेट की इम्पैक्ट होगा उसकी स्टडी करते हैं हम डिफरेंट मेथड से, इसके इम्पैक्ट। ओके, नाउ एस्ट्रोलॉजी में हमने क्या किया? डायरेक्ट प्लैनेट को कंसिडर कर लिया। न्यूमरोलॉजी में हमें ऐसा नहीं किया, हम नंबर के रूप में देख रहे हैं, टैरेट में भी डिफरेंट देख रहे हैं, एस्ट्रोवास्तु में प्लैनेट देखते हैं, या फिर न्यूमरोलॉजी भी देख सकते हो, हीलिंग में हम एस्ट्रोलॉजी और न्यूमरोलॉजी दोनों यूज कर रहे हैं। यानी क्या हुआ, बेस क्या है हमारा? प्लैनेट ही है, उसके प्रभाव को समझना है तो डिफरेंट डिफरेंट मेथड यूज कर रहे हैं। जब डिफरेंट मेथड यूज करते तो क्या होता है, वी नीड डिफरेंट डिफरेंट टेक्नोलॉजीज टू अंडरस्टैंड। टैरेट इज डिफरेंट वे को एनालिसिस है, हीलिंग इज डिफरेंट है, टैरेट डिफरेंट है, एस्ट्रो वास्तु अलग है, वास्तु अलग है, हीलिंग अलग है, जितने मेथड मैंने बताया अभी न्यूमरोलॉजी और एस्ट्रोलॉजी के साथ साथ, वो सब डिफरेंट मेथड्स है। बट एस्ट्रोलॉजी में क्या किया, डायरेक्ट प्लैनेट के नाम को ही यूज किया, डायरेक्ट प्लैनेट के नाम को ही यूज किया, इसलिए न्यूमरोलॉजी एस्ट्रोलॉजी के अंदर प्लैनेट को नाम को यूज किया। बट एस्ट्रोलॉजी में हमने क्या किया, हमने नंबर को लिया, इतना ही डिफरेंस है, देयर इज नो डिफरेंस एट ऑल। ओके, नाउ लिख लीजिए। एस्ट्रोलॉजी इज नथिंग बट स्टडी ऑफ द स्टार्स, प्लैनेट्स। न्यूमरोलॉजी इज नथिंग बट स्टडी अबाउट नंबर्स। एस्ट्रोलॉजी बिहेवियर पैटर्न को भी समझता है, रिवैल्यूएट करता है, और आने वाले प्रिडिक्शन भी करता है। न्यूमरोलॉजी वही करती है, बिहेवियर पैटर्न भी देखेगा और साथ साथ लाइफ के इवेंट को भी करेंगे। ओके,
इसमें डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ लेते हैं। मेरी 9 की स्टार न्यूमरोलॉजी में भी डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ लेता हूं मैं। इसमें महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतरदशा, सूक्ष्म दशा लेते हैं, इसमें भी वही करते हैं। इसमें तो देखा जाए तो पर्सनल मंथ, पर्सनल डे, पर्सनल ईयर के साथ साथ महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतरदशा, सूक्ष्म दशा भी लेते हैं। साथ साथ इसमें होरा नवांश लेते हैं टाइम ऑफ बर्थ को, जहां पर मैंने अभी बताया था टाइम ऑफ बर्थ कंसीडर करता हूँ, उसी को मैंने नाम दिया है होरा और नवांश। इसमें प्रश्न कुंडली यूज करते हैं, इसमें प्रिडिक्शन विदाउट डेट ऑफ बर्थ, प्रिडिक्शन विदाउट डेट ऑफ बर्थ लेते हैं। वहां पर एस्पेक्ट लेते हैं, यहाँ पर मैंने अपने अपनी मेथोलॉजी है, काराकास जो है ये मेरी मेथोलॉजी है, जहां पर मैं काराकास को यूज करता हूँ। यहाँ पर जो प्रिडिक्शन करते हो एस्ट्रोलॉजी में, सेम न्यूमरोलॉजी में प्रिडिक्शन कर सकते हो, देयर इज नो डिफरेंस एट ऑल। बट कहीं वहां पर नंबर को देख रहे हैं, न्यूमरोलॉजी में नंबर को देख रहे हैं और एस्ट्रोलॉजी में प्लैनेट्स को देख, और वही एक डिफरेंस है, अदरवाइज नो डिफरेंस एट ऑल। जैसे मैंने बताया था, किसको अभी बताया था ना, वी आर यूजिंग टाइम ऑफ बर्थ को, भी वही टाइम ऑफ बर्थ को लेते हैं तो एक्यूरेसी बहुत ज्यादा होती है, 99.99 प्रॉब्लम के तहत तक जा सकते हैं। अदरवाइज आप विदाउट करते हो 50% इज दैट ऑल्सो ओनली द बिहेवियर पैटर्न को समझ, इसके ज्यादा नहीं होता। हाँ जी, ये क्लियर हो गया? देखिए हम न्यूमरोलॉजी में क्या कर रहे हैं, 1 to 9 नंबर को ले रहे हैं, बट एक नंबर की जो उसको रिफरेंस एस्ट्रोलॉजी में क्या है, अच्छा मेरे वीडियो बंद हो गए, उसका रिफरेंस क्या है एस्ट्रोलॉजी के अंदर। जैसे 1 नंबर ले रहे हैं तो एस्ट्रोलॉजी में क्या किसको रिप्रेजेंट करता है, ठीक लेना ये, एस्ट्रोलॉजी में हम जो एक नंबर है वो सन को रिप्रेजेंट करता है, वो सन को रिप्रेजेंट करता है। 2 नंबर मून को रिप्रेजेंट करता है, 2 नंबर मून को रिप्रेजेंट करता है, 2 मून को रिप्रेजेंट करता है, 3 जुपिटर को रिप्रेजेंट करता है, 3 जुपिटर को रिप्रेजेंट करता है, ये प्लैनेट के नाम है, 5 कह की मेरक्यूरी को रिप्रेजेंट करता है, 6 वीनस को रिप्रेजेंट करता है, 7 केतु को रिप्रेजेंट करता है, 8 सैटर्न को रिप्रेजेंट करता है, 9 मार्स को रिप्रेजेंट करता है। ये 9 प्लैनेट, 9 नंबर 9 प्लैनेट को रिप्रेजेंट करता है। यहां पर एक पॉइंट को गौर करने की जरूरत है, राहु और केतु जो है वो इमेजिनरी प्लैनेट से, प्लैनेट नहीं है, राहु केतु इमेजिनरी प्लैनेट्स हैं, वो प्लैनेट नहीं है। वो प्लैनेट नहीं है। अब राहु का मतलब होता है अपर पार्ट ऑफ द बॉडी, मतलब ये थिंकिंग पावर, आंख, कान, नाक, सब बोलना, ये सब राहु के अंदर आ। दूसरा है केतु, केतु मतलब कर्मेंद्रिया, लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी फ्रॉम द नेक्स्ट, पूरा पार्ट होता है केतु का होता है, इसीलिए कि राहु को आधा पार्ट मानते हैं और केतु को आधा पार्ट पार्ट मानते हैं। सिंपल लॉजिकल ये है, बहुत सारी स्टोरी से इसी पीछे, समुद्र मंथन हुआ था, ये होता, मैं सब स्टोरी को नहीं मानता हूँ, ये मुझे पता है कि 4 मतलब माइंड से काम करने का, 4 मतलब माइंड से, मतलब अपर पार्ट ऑफ द बॉडी, उस माइंड माइंड से काम करने, 7 नंबर मतलब लोअर पार्ट ऑफ द, मतलब फिजिकल काम कर, सिंपल, और उसका मतलब कुछ भी नहीं निकाल सकते। तो ये 4 और 9 का मतलब,
अपनी अपनी डेट ऑफ बर्थ को निकाल लीजिए, डी डी एम एम वाई वाई फॉर्मेट में लिख लीजिए, डी डी एम एम वाई वाई। डी डी क्या है आज का 22, एम एम क्या है 7, और 2024, 2024 क्या है ईयर, ईयर मतलब वाई 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 वाई। ये अपना अपनी क्लासेस 8 to 10 चलेगी। आज थोड़ा लेट हो गया, बट विल स्टार्ट बाई शार्प बाई 8:30 एवरी डे, तो डोंट बी लेट। 10 मिनट के बाद लेट आते हो तो जूम अलो नहीं करेगा आप, ओके? जूम अलो नहीं करेगा, अलो नहीं करेगा आपको अंदर आने के। हाँ जी, वो 10 मिनट बाद पासवर्ड डीएक्टिवेट होगा। चल कहाँ पर था मैं? हाँ, आप भी अपनी डेट ऑफ बर्थ निकाल लीजिए, डीडीएमएम। कभी भी हम न्यूमरोलॉजी के अंदर नंबर को सिंगल डिजिट में लेते हैं। हम किस में लेते हैं? सिंगल डिजिट में आते हैं कोई भी नंबर। क्यों आते हैं सिंगल डिजिट में? हम बोल सकते हैं कोई भी, कौन बोल वन टू पाएगा? थ्री यस यस, सिंगल डिजिट में, क्योंकि हमारा मूल नंबर कौन सा है, मेन नंबर कौन सा है? 129 ही है, नाइन इसी इसीलिए हम 129 में लाते। नेक्स्ट, डी डी एम एम वाई में से पहले दो तरह के वैल्यूज निकलते, लिख लीजिए। उसमें निकलते हैं तीन, सॉरी, दो कैटेगरी के वैल्यूज निकलते। पहला है डायरेक्ट वैल्यूज, डायरेक्ट वैल्यूज। दूसरा होता है इनडायरेक्ट वैल्यूज, सो ब्रैकेट में लिख सकते हो डेराइव्ड नंबर्स, डायरेक्ट नंबर्स, इनडायरेक्ट नंबर्स। इनडायरेक्ट नंबर को कहते हैं डेराइव्ड नंबर्स, हम कैलकुलेट करके निकाल रहे। जो डेट ऑफ बर्थ से डायरेक्ट निकलते हैं उसे कहते हैं मूलांक, भाग्यांक और कूवनांक। मूलांक, भाग्यांक और कूवनांक। मूलांक, भाग्यांक और कूवनांक। मूलांक, भाग्यांक, मूलांक कैसे निकालते? पहले वैल्यू देख लेंगे, फिर बात में इसका मतलब क्या है। मूलांक नथिंग बट डी प्लस डी, क्लियर? मैं बताता हूं, हाँ जी। सपोज, एक मिनट देना मुझे, हाँ जी। अब सपोज आज की डेट लेते हैं किसी की, 22/07/2024। अब मूलांक कैसे निकाल दीजिए, तो जो डायरेक्ट वैल्यूज निकलती है। हाँ जी, ये है। अब इसमें मैंने कहा कि दो तीन वैल्यू निकलती, मूलांक एक लिखता, भाग्यांक, भाग्यांक तीसरा निकलता है कूवन। तीन नंबर निकलते हैं किसी आपकी डेटा पर से, ये डायरेक्ट नंबर्स है। ये क्या है? डायरेक्ट, के यू ए, सॉरी, के यू ए, ये कुआ नंबर, ओके? अभी इनको निकालते कैसे? मूलांक यम यानी मूलांक, मूलांक यानी यम, भाग्यांक यानी बी, के फॉर कुआ नंबर। ये इसको कैसे निकालते हैं? डी डी प्लस डी करते हैं। ये डी डी के मतलब फॉर्मेट कौन सा है? डी डी स्लैश एम एम स्लैश वाई वाई वाई। हम क्या करेंगे, इस डेट
टीडी को दो पार्ट में कर देंगे, टीडी कैसा हो जाए दो पार्ट में हो जाए। और भाग्यांक कैसे निकालते हैं हम लोग, यम की डी प्लस डी प्लस यम प्लस वाई प्लस वाई प्लस वाई प्लस वाई ऐसा निकाल। कभी भी हम सिंगल डिजिट में करेंगे तो इस तरह से ही करेंगे। ओके हाँ जी। अब डीडी कितना निकलेगा इसका, डीडी का वैल्यू कितना है, डीडी कितना है 22। 22 का मतलब है, देखो डीडी मतलब ये है, तो 2 प्लस 2 दो पार्ट है, अलग अलग कर दे रहे हैं, अनपैकिंग, ये पैक्ड है, ये हम लोग क्या कर रहे हैं अनपैकिंग कर रहे हैं। अनपैकिंग में कैसा होगा, 2 प्लस 2 प्लस 0 0 प्लस 7 प्लस 2 प्लस 0 प्लस 2 प्लस 4। अब 2 प्लस 2 कितना हो जाएगा यहाँ पर, ये 4 हो जाएगा। अब ये कितना होगा, 2 प्लस 2 4 प्लस 7 11, 11 प्लस 2 कितना हो जाएगा, 11 11 प्लस 2 13, 13 प्लस 0 13, 13 प्लस 2 15, ये कितना हो जाएगा 19 हो जाएगा, इफ आई एम रॉन्ग करेक्ट, 8 19 करेक्ट। अब 19 को क्या करते हैं, फिर से सिंगल डिजिट में करेंगे, 1 प्लस 9, 1 प्लस 9 को क्या हुआ, फिर 10 आया, फिर 10 को हमने 0 प्लस 1 प्लस 0 किया इस तरह से, तो कितना आया, ये सिंगल डिजिट में मूलांक कितना आ गया, 4, मूलांक कितना आया 4, और भाग्यांक कितना हो गया 1 4 और 1। हाँ जी, ये आप अपना अपना मूलांक भाग्यांक निकालना। हाँ जी, अपना अपना मूलांक भाग्यांक निकालिए। और निकाल कर चार्ट बॉक्स में डाल दीजिए। अपने भी डेट का मत निकालना, किसी और का मत निकालना, पहले अपना अपना निकालना। हाँ जी, अपना चार्ट निकाल के मूलांक निकालो, डेट ऑफ बर्थ लिखो, पहले डेट ऑफ बर्थ लिखो, फिर यम फॉर मूलांक, बी फॉर भाग्य, फिर डेट ऑफ बर्थ भी लिखना पड़ेगा, मैं छक्के से करूंगा मैं। हाँ जी शिप्रा जी लिख रही हो, हाँ शिप्रा जैन जी, सभी लोग साथ साथ करते जाइए तो लर्निंग हो जाएगी। आरती चोपड़ा जी, मैं आपको डेट ऑफ बर्थ पूछूंगा जब मुझे डेट ऑफ बर्थ देना, जब मास्टर नंबर भरूंगा जब डेट ऑफ जरूर दीजिए, 5 और 3 5, डॉक्टर सुनल का 5 3 5 5 25 30 करेक्ट है। ओके, आरती का भी करेक्ट है, संजीव गुप्ता का पता नहीं, मेरे को डेट ऑफ बर्थ दे दी, बालाकृष्णा मैची 7 और 14 20 करेक्ट है, बालाकृष्णा का भी कर, संजीव का पता नहीं मेरे को, और नितिन का है 3 3 3 4 10 28, यस करेक्ट है आपका भी, बढ़िया डेट ऑफ बर्थ। निवेश भवेश जैन का है 25 25 19, तो 7 करेक्ट है, और भाग्यांक 7 है, 7 7 7। ओके फाइन, चलिए जी भवेश जी, जी सर, हाँ सर, तो आपकी वाइफ के अंदर 6 आता है क्या, नहीं सर, डेट ऑफ बर्थ अभी में नहीं कहीं भी नहीं, आता, कहीं भी नहीं आता 6, मूलांक डेट ऑफ बर्थ भाग्यांक में नहीं या सर, चेक मूलांक, कहीं पर मूलांक भाग्यांक में नहीं सर, नहीं आता। ओ ये और एक नंबर बताने वाला हूँ, उसमें बोल आने का आया तो मुझे। ओके चलिए जी, ओके सबने बढ़िया कर दिया है, वेरी गुड वेरी गुड। चलिए अब कुआ नंबर आएगा, मैं इसको निकाल दे रहा हूँ, इसको फिर लिख दे रहा हूं, कितना था, 1 था,
हाँ मैंने या गलती से यम लिख दिया, वो बी होना चाहिए, सॉरी बी लिख दिया, यम होना चाहिए। KUA कुआ नंबर, फर्स्ट मेल, मेल के लिए कुआ नंबर, KUA फॉर फीमेल कुआ नंबर। इसका फॉर्मूला क्या है कुआ नंबर निकालने का? 11 माइनस, ये क्या वैल्यू से मैं थोड़ी देर बताऊंगा, वाई 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 ब्रैकेट में है, 4 प्लस वाई 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 वाई, 4 प्लस वाई वाई। अब वाई वाई की वैल्यू कितनी आ रही, पहले पहले काउंट काउंट कर लो, वाई वाई कितना है यहाँ पे, सर डेट ऑफ बर्थ की बात कर रहे हैं, ये कितना था इसका 2/10/2024, तो कितना आ जाएगा इसका, 8 हो जाएगा, क्लियर है वाई वाई का वैल्यू। तो इसको कैसा करोगे, 11 इक्वल टू 11 माइनस 8, तो कितना आ जाएगा, ये 3 आ जाएगा, लकीली दोनों एक ही आ रहे हैं, 4 प्लस 8, तो इसका 12 सिंगल डिजिट में करना है अपने को, फिर से 3, तो मेल का कुआ नंबर और फीमेल का नंबर कुआ नंबर इस तरह से निकाल दिए। फार्मूला लिख लीजिए, टेक डाउन द फार्मूला, ये दो फार्मूला, ये फार्मूला और ये फार्मूला एग्जाम्पल के साथ लिख लीजिए, तो समझ में आ जाएगा, कल फिर वर्क बाकी लोगों का भी कर सकते हैं। सर मेरा भी रह गया है, बार आप करके बताइए ना सर, मेरा छूट गया क्या छूट गया है? ये वाली चीज, मैं थोड़ा सा मिस हो गया, देखना पूरा मेरा, तो मेरा अरे भी वाह, निकाल के बताइए। मुझे क्यों उम्र है, मैं कोई स्टूडेंट नहीं, किसको चाहिए, किसने बताया, किसका जी सर, था? अच्छा आप सीरियस नहीं हो इसलिए समझ में, आप खुद निकालिए ना, होमवर्क मेरे लिए है या आपके लिए वर्क? चलिए जी, आप पहले आप मुझे बताइए, नोट नोट कर लिया, मूलांक भाग्यांक निकालना सीख लिया? हाँ जी बताइए, मूलांक भाग्यांक कैसे निकालते? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी बताइए सर अभी। मूलांक, नहीं, आपको नहीं, इसको पूछ रहा हूँ, शिप्रा शिप्रा जैन को। हाँ जी बताइए, चलिए जी, चलिए आ गया कुआ नंबर निकालना भी, मूलांक भाग्यांक कुआ नंबर, ये 3 नंबर जो है आपकी डेट ऑफ बर्थ से डायरेक्ट निकलते, इसलिए से डायरेक्ट नंबर भी बोलते, बाकी जो है डायरेक्ट नंबर या इनडायरेक्ट, जो बाकी कल बता, ये जो है डायरेक्ट नंबर से, डायरेक्ट नंबर मतलब आपकी डेट ऑफ बर्थ से डायरेक्ट निकल, बाकी नंबर डेट ऑफ बर्थ से डायरेक्ट नहीं, उल्टा उसको कैलकुलेट करके निकाला जाता है, इस तरह से 5,000 नंबर निकल, बट वी डोंट नीड ऑल द नंबर्स, वी नीड ऑनली, एक किसी की एनालिसिस करना है तो वी नीड 50 to 60, 60 नंबर, नंबर्स उससे ज्यादा जरूर। चलिए यहां तक क्लियर है सबको, आगे बढ़ो। हाँ सर जी, एक बार और कुआं को, सर एक बार और कर देंगे थोड़ा सा क्लियर जैसे। हाँ, कुआ नंबर मेल का क्या होता है, मुझे मेल का सर एक इलेवन बीमारी वन है, एक बता दूं, मुझे बहुत बड़ी एक बीमारी है, इसका कोई इलाज नहीं, डॉक्टर वर्ल्ड के सभी डॉक्टर मुझे देख चुके हैं, ओके, जो पढ़ाता हूँ वो सब भूल कर सब उल्टा पुलटा बोलता हूँ, इसका कोई बीमारी का इलाज नहीं, संदेह समझ में आया, नहीं सर, जैसे जो पढ़ चुके हो सब उल्टा पुल्टा बोलूंगा, इसलिए अलर्ट रहना, मैं गलत भी बोल सकता हूँ, एक बीमारी है, उसका नाम पता नहीं, नाम भी कुछ भी नहीं। हाँ जी, हुआ नंबर मेल का होता है 4 प्लस वाई वाई वाई, करेक्ट है ना, और फीमेल का होता है 11 माइनस वाई वाई, करेक्ट है क्या? नो सर, नो 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 सर, नो, अपोजिट हाँ बोल रहे हैं आप, उल्टा हो हाँ गया ये सर। यही बीमारी है मेरी। हाँ जी, अब मेल मेल हाँ मेल मेल 11 माइनस हाँ मेल का होता है 11 माइनस वाई वाई वाई, वाई और वाई फीमेल का होता है 4 प्लस वाई वाई वाई, ओके जी। अब
वाई वाई को सिंगल डिजिट में निकालो अपना, वाई वाई को पहले सिंगल डिजिट कर कर कितना आया सर, अभी ईयर? मेरा सिक्स आया सर। हाँ नहीं, ईयर क्या है, ईयर ऑफ बर्थ क्या है? सर 1986, 1986 86, मतलब 24 आएगा, 24 मतलब 6 साल। जी सर। लेवर माइनस आपका मेल का है या फीमेल का है ये सर मेरा आप मेल मेल का पहले? 11 नहीं माइनस नहीं ऐसे जस्ट पूछो, आप मेल में आओगे फीमेल में आओगे? मेल में आएंगे सर। मेल में आएंगे, जस्ट पैसे ही पूछा हो। 11 मतलब कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, 11 माइनस वाई वाई वाई, लेवर जी जी सर। माइनस 6 सर 5 आ गए। फाइव आ गया, कुआ नंबर आपका 5 आ गया, जी यही हो गया कुआ नंबर, हो गया। हाँ नहीं सर, बस इसमें एक चीज पूछना था, जैसे फीमेल वाले में 4 है, और अगर यही किसी का है वाई वाई वाई, तो उसमें सर माइनस में भी हमें एक नंबर मिलेगा, तो उसकी वजह से कैसे पूछना चाह कैसे रहा था। कैसे कैसे मिलेगा बताओ? जैसे कोई भी फोर फोर वाई 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 वैल्यू हमेशा 1 to 9 ही आएगी, जी 9 सर से जी बढ़ेगी नहीं, तो निगेटिव कैसे आएगा? नहीं सर, फीमेल का 4 माइनस YYY फोर था ना सर। फोर प्लस, फोर प्लस है वो। अच्छा सॉरी सॉरी सर, हाँ यही मेरे से मिस्टेक हो गया सर। हाँ मैंने माइनस नहीं लिखा है ना, मैं 4 प्लस ही लिखा है। जी जी ये मेरे से मिस्टेक हो गया। अच्छा ठीक है अच्छा सर। अच्छा ठीक, नहीं वैलिड है क्वेश्चन, वैलिड है, निगेटिव आया। चलिए ये 3 वैल्यूज आपकी डेट ऑफ बर्थ से निकल, ओके। चल नेक्स्ट है, मीनिंग क्या है, हुआ नंबर का मतलब क्या है, लिख लीजिए। अच्छा पहले कुआ नंबर का पहले थोड़ा इंट्रोडक्शन देता हूँ। कुआ नंबर जो, सॉरी, मूलांक भाग्य का, मूलांक क्या है? मूलांक मूल है यानी रूट है, भाग्यांक यानी भाग्य को विधाता है, पर आपके लाइफ में होने वाले जितने भी गुड और बैड इवेंट्स होते हैं वो सब भाग्यांक के कारण। ओके वो सब भाग्यांक के कारण, भाग्यांक कभी भी चेंज होता है, स्थिर नहीं रहता, हर क्षण चेंज होता है आपका भाग्यांक, इसीलिए भाग्यांक कहा। क्या कहा? उसे भाग्यांक कहा। नेक्स्ट, हमेशा भाग्यांक का रिलेशनशिप किससे रहेगा? मूलांक से साथ रहता है। मूलांक और भाग्यांक जो है वाइफ एंड हस्बैंड समझो, मूलांक जो है हस्बैंड है और भाग्यांक वाइफ, ओके। हमेशा जी मूलांक जो है वो हस्बैंड है, भाग्यांक जो है वो वाइफ है। मूलांक और भाग्यांक का अच्छा संबंध होना, बुरा संबंध होना इम्पैक्ट करेगा नहीं करेगा लाइफ, ओके। जो मूलांक है वो चेंज नहीं होता है, भाग्यांक चेंज होता है, रिजिड होता है। मूलांक क्या है? रिजिड होता है, भाग्यांक फ्लेक्सिबल होता है। नेक्स्ट, आप सपोज, हाँ जी थोड़ी सी डाउट है सर मेरी। हाँ जी सर आपने कहा कि भाग्यांक चेंज होता है, हर क्षण चेंज होता है। लेकिन हमारा ईयर ऑफ बर्थ या मंथ ऑफ बर्थ या डेट ऑफ बर्थ तो चेंज नहीं होगा, जी तो सर भाग्यांक यही कैसे? मेरा क्वेश्चन था। हर क्षण चेंज होता है, हर नेगेटिव क्षण, हाँ थोड़ा हर सा। क्षण, हर क्षण चेंज। मैं बता आगे बताऊंगा कैसे जी। चेंज, हर क्षण चेंज, इसीलिए उसे भाग्यांक कहा, उसे भाग्य का विधाता है हमारा भाग्यांक। यदि भाग्यांक को कंट्रोल रख ले, राइट डायरेक्शन लगा दे, तो क्या हो जाएगा? वो हैंडल है गाड़ी का, स्टीयरिंग है हैंडल, है टू व्हीलर का हैंडल, गाड़ी का स्टीयरिंग, वो कंट्रोल रख ले तो गाड़ी कैसी भी चला सकते हो, किसी भी उबर खाबड़ हो, स्पीड ब्रेक हो, ट्रैफिक पुलिस ट्रैफिक हो, चला पाओगे। हैंडल को कंट्रोल नहीं रखा तो, स्टीयरिंग को कंट्रोल नहीं रखा तो क्या हो जाएगा नितिन?
हाँ जी नितिन जी, क्या हो एक्सीडेंट। जाए, एक्सीडेंट, सिंपल लूज एवरीथिंग, तो इसीलिए भाग्य विधाता कहता हूं, ये सब मैंने नाम दिए। नेक्स्ट, जो पूलांक है वो कभी चेंज नहीं होता है, भाग्यांक चेंज होता है। तो मूलांक और भाग्यांक के संबंध इम्पैक्ट करते हैं लाइफ के अंदर, लेकिन मूलांक और भाग्यांक के संबंध इम्पैक्ट करते हैं, इनके संबंध क्या है आने वाले सेशंस में हम देखेंगे कल परसों। जो मूलांक है वो एक रह सकता, दो रह सकता, तीन चार पांच छह सात आठ नौ ही रह सकते ना। भाग्यांक एक दो तीन चार 1 to 9 तक रह सकता है। आप सपोज नितिन का भाग्यांक एक और दो है, सॉरी नितिन का जो भाग्यांक है एक एक हो सकता है, आपका भाग्यांक किसी का एक दो हो सकता है, किसी का एक तीन, किसी का एक चार, किसी का एक पांच, क्या कहाँ तक हो जाएगा ये 1 9, फिर 1 10 भी हो सकता है क्या? नहीं होगा, नहीं होगा ना, क्योंकि हम न्यूमरोलॉजी में एक सिंगल सिंगल डिजिट लेते हैं। वैसे दो दो एक, दो दो, दो तीन, दो चार, दो पांच, दो छह, दो सात, आठ नौ, बस 3 1, तो कितने हो जाए, 9 9 9 9 कितने हो जाएंगे, 81 81, 9 और 9। देखो 9 इसके है, 9 नंबर के 9, 1 2 1 2 2 2 1 3 1 4 1 5 1, ऐसे 9 हो गए, तो कितने हो नाइन जाएंगे, बोला है, नाइन नाइन ये हाँ भाग्यांक तो 9 81 हो 81 जाएंगे। इसे कहते हैं उलांग भाग्यांक के 81 कॉम्बिनेशन, कितने होते हैं 81 81 होते हैं, मतलब सॉरी उलांग भाग्यांक के कॉम्बिनेशन 81 होते हैं। मूलांक और भाग्यांक के कॉम्बिनेशन 81 हो, क्लियर हो गया? झाड़ है, आपने आम का, आरती ने अपने बगीचे अपने आंगन में आम का पेड़ लगाया, तो क्या हो जाएगा, तो बता सकता है, वो अंकुरित होगा, उसकी जड़ें अंदर जाएगी और धीरे धीरे बढ़ेगा और फ्रूट आएगा, करेक्ट है ना, 5 साल में फ्रूट आएगा। अब आप दोनों को अलग अलग कर सकते हो क्या, फ्रूट झाड़ को और इसकी तरह उसको इंडिपेंडेंट रह सकते नहीं क्या दोनों भी, नहीं रूट्स और पेड़ का अपर पार्ट मतलब इनसाइड पार्ट और आउटसाइड पार्ट, क्या दोनों इंडिपेंडेंट रह सकते हैं? नेवर कभी भी मूलांक भाग्यांक कभी अलग हो ही नहीं सकते। नहीं ओके अब जो भी रिजल्ट आने, कौन देता है फ्रूट, कौन देगा फ्रूट, कौन देगा, किसके आधार मूलांक पर फ्रूट मिलेंगे, फ्रूट अच्छे हैं या नहीं है, सपोज एग्जाम्पल के लिए दो तीन, से नहीं, दो तीन दो साल, दो तीन साल बरसात नहीं गिरी तो क्या हो जाएंगे फ्रूट, क्या हो जाएगी फ्रूट, क्या हो पेड़ जाए, हाँ जाएगा नहीं, पेड़ नहीं बढ़ेगा, फ्रूट की क्वालिटी छोटी छोटी हो जाएगी, तो जहाँ पेड़ तो नहीं मरेगा, इतना बड़ा पेड़ नहीं मरता है जनरली, मगर मगर उसकी उसकी जो आउटपुट है उसका एल्ड है क्या हो जाए, कम हो जाए, बरसात नहीं तो, बरसात नहीं तो क्या होता है, अनाज क्या होता है, प्रोडक्शन कम होता, नहीं होता है वैसे, इसका प्रोडक्शन कम हो जाएगा। अब फ्रूट अच्छा है तो किस संबंध किसका है, रूट से संबंध है, और रूट स्ट्रांग रहा तो फ्रूट क्या हो जाएंगे, स्ट्रांग आएंगे, यानी दोनों के बीच में एक तालमेल होना जरूरी है, यानी मूलांक और भाग्यांक आपस में अच्छे संबंध होने चाहिए। कैसे होंगे आगे देख, वाइफ और हस्बैंड में अच्छे संबंध नहीं तो क्या हो जाएगा, घर क्या हो जाएगा, छोटी मोटी, चलो महाभारत महाभारत नहीं, आज के तो महाभारत तो बाहर दिखती है, जीवन डिवोर्स डिवोर्स नहीं, देवर्ष हो जाए तो ठीक है, जीवन बहुत बदतर हो जाता है, महाभारत में ठीक है तो आउट ऑफ चलो बॉक्स कोई था, जन हाँ यहाँ पर क्या जीवन बदतर हो जाता है, किसी एक का तो बदतर हो ही जाए दो में से, यानी दोनों का रिलेशनशिप होना बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं तो सक्सेस नहीं हो सकता।
अब देखो हर साल फ्रूट चेंज होते हैं, रूप वही है, झाड़ वही है, फ्रूट चेंज हो रहे हैं, हर साल फ्रूट आते हैं ना, समझना इस चीज को, हर साल फ्रूट आ रहे हैं। क्या एक ही झाड़ को जो आम लगे हैं वो एक ही साइज के आते हैं या अलग अलग होते हैं साइज? कोई छोटा होगा, कोई बड़ा होगा, कोई अच्छा बड़ा होगा, उसमें भी समानता नहीं। तो जो मूलांक और भाग्यांक है वो रिजल्ट देते हैं। आम क्या है? रिजल्ट है। मूलांक और भाग्यांक के अच्छे संबंध नहीं है तो जो रिजल्ट आने हैं वो अच्छे नहीं है। नेक्स्ट, मूलांक क्या है? रूट है। पोषण कौन दे रहा है झाड़ को? पोषण कौन दे रहा है? रूट दे रहा है, जड़ें दे रही हैं। तो यानी रूट क्या है, उसको बल देता है किसको? झाड़। और इसके उसके कारण उसका क्या हो रहा है? रिजल्ट आ रहा है। अब झाड़ पानी नहीं दी, पानी नहीं खींच पा रहा है, बुरा हो गया तो क्या हो जाएगा? झाड़ क्या हो जाएगा? उसकी उसकी जो एग्जाम्पल, उसकी रूट जो है बहुत ज्यादा स्ट्रांग नहीं है तो क्या हो जाएगा? सूख जाएगा। सूख जाएगा, धीरे धीरे सूख जाएगा। समझ में आया? अभी क्लियर हो गया मूलांक भाग्यांक क्या रिलेशनशिप है, कितने कॉम्बिनेशन है? 82 81 कॉम्बिनेशन, 82 है ना सर? 81 82 होते, 99 into 80, 82 होते ना? 81 81 80 पक्का? पक्का। पक्का। चलिए चलो, मूलांक कैसे निकालते हैं मालूम है? d+d प्लस m प्लस प्लस ये y y y यस और डी प्लस भाग्यांक निकालते हैं, सर मूलांक डी निकालते हैं, भाग्यांक निकालते हैं d+d। सर, आप उल्टा बोल रहे हैं सर। हाँ तो क्या करूं, बीमारी का इलाज कुछ भी नहीं। चलिए सर, याद हो गया, अभी याद हो गया सबको, वो नंबर भी याद हो गया। चलो अब आगे बढ़ते हैं, मूलांक और भाग्यांक क्या है, कुआ नंबर क्या है, इसकी थोड़ी सी चर्चा कर, लिख लीजिए। मूलांक जो है वो रूलिंग रूलिंग पावर होता है, मूलांक जो है रूलिंग पावर होता है। ये क्या आपका संस्कार बताता है, कैरेक्टर बताता है, आपका संस्कार कैसे ये बताता है बोला। आपका बिहेवियर बताता है, मतलब ब्रैकेट में लिख सकते हो व्यवहार कैसा है ये बताता है आपका बोला। आपकी इच्छा क्या है ये बताता है आपका बोला। भाग्यांक भाग्यांक बताता है आपका लाइफ में होने वाले इवेंट्स के बारे में, भाग्यांक बताता है आपके लाइफ के होने वाले इवेंट्स के बारे में, फ्यूचर कैसा रहेगा ये बताता है आपका भाग्यांक, आपकी डिस्टिनी कैसी रहेगी ये बताता है आपका भाग्य, डिस्टिनी कैसी रहेगी ये बताता है आपका भाग्य, आपका लक कैसे रहेगा ये बताता है आपका भाग्य, आपका ग्रोथ कैसे होगा ये बताता है आपका भाग्य, हो गया। अब कुआ नंबर, कुआ नंबर बताता है आपकी एबिलिटीज क्या है, आपकी क्वालिटीज क्या है, एबिलिटीज क्वालिटीज, एबिलिटीज क्वालिटीज, आप कैसे इन्फ्लुएंस होते हो ये बताता है कुआ नंबर। आपका कुआ नंबर बताता है आप कैसे इन्फ्लुएंस होते हो, प्रभाव में आते हो, आपका ओवरऑल इम्प्रूवमेंट बताता है आपका कुआ नंबर, ओवरऑल इम्प्रूवमेंट कैसा होगा ये बताता है आपका कुआ नंबर।
नेक्स्ट है, अब 1 to 9 नंबर देख लिए हमने, कोई भी 1 to 9 नंबर देख ली तो हो जाएगा, उसके गुणधर्म समझना होगा, उसके मतलब क्या है, वन का मतलब क्या है ये समझना होगा, फिर आगे देखेंगे ये नंबर के आपस में संबंध कैसे होते हैं। चलो लिखते जाइए, नंबर वन, ये 1 मिनट में मैं आता हूं। नंबर वन लिख लीजिए, एट्रीब्यूट्स ऑफ नंबर्स, टॉपिक है एट्रीब्यूट ऑफ नंबर्स या नंबरों के गुणधर्म के बारे में मैं बताने जा रहा हूं, नंबरों के गुणधर्म। हाँ जी, नंबर वन, नंबर वन जो है लीडर होता है, लीडर क्यों, नंबर वन मतलब सन बोला था ना मैंने, उसे कंपनी लिख लीजिए, वन नंबर मतलब सन, साथ साथ उसके गुणधर्म भी लिख लेना, वन यानी सन, सन कभी देखा है कि वो अपने कैसे निकलता है, वो अपने हिसाब से लिख लेगा, सुनता क्या है मेरी तरह आपकी, क्या घोड़े के बोलो, साथ, नहीं, घोड़े के हिसाब से नहीं है आप, सवारी के साथ। नहीं, भवेश जी बोलेंगे भाई मेरी आज न्यूमरोलॉजी क्लास थी, 10:30 हो गई और सवेरे डिस्टर्ब मत कर, मैं 11 बजे तक, सुबह 9 बजे तक उठूंगा, सुनेगा क्या आपकी बात, नहीं वो राजा की तरह होता है। हाँ ओके, तो वो क्या करेगा, वो 1 नंबर जो है वो किसी की बात की सुनता क्या, मोदी की सुनेगा क्या, आरटी अब पार्लियामेंट में बिल ला ले, या वर्ल्ड वाइड में जो अमेरिकन गवर्नमेंट है वो रूल ला ले, भाई तू कल से डिस्टर्ब नहीं करना, सुनता क्या किसी, नहीं सुनता, वो अपनी चाल चलता है, लिख लेना, 1 नंबर वाला अपनी चाल चलता है, किसी के अंडर काम करना पसंद नहीं है उसको, किसी की आज्ञा उसे पसंद नहीं है, उसकी आज्ञा को पालन नहीं कर सकता है, दुनिया उसकी आज्ञा पालन करनी चाहिए, दुनिया पूरी उसकी आज्ञा पालन करनी चाहिए, ना कोई पालन नहीं करता, ओके okay. ओके सेकंड, 1 नंबर बहुत लीडरशिप होती है, के पास बहुत लीडरशिप, हाँ पिंकी राणा जी, तो आपके पीछे जो लाइट जल रही है ना थोड़ा बंद कर दो, आंखों में चुभ रही है, या थोड़ा टर्न अप हो जाओ, थोड़ा टर्न हो जाओ तो बस है, हाँ मोर देन, यस हाँ जी, मोर देन, हाँ 1 नंबर लीडर होता है, ईगो बहुत होता है उसमें, क्या होता है, ईगो होता है उसमें, ईगो होता है, झुकता नहीं है 1 नंबर का, 1 नंबर वाला कैसा है मालूम, झुकेंगे नहीं, सर कटा देंगे मत झुकेंगे नहीं, मतलब पूरा बल चल जाए तो भी झगड़ा कर, ये बहुत ही गुस्से वाले होते हैं, बहुत सेल्फिश होते हैं 1 नंबर वाले, 1 नंबर वाले बहुत सेल्फिश होते, सर, ये आप जो बता रहे हैं ये इससे भाग्यांकी और मूलांक दोनों नहीं, नंबर के लिए नंबर नंबर के, मैं आगे बताऊंगा नंबर कहाँ पर यूज होंगे, मैं पहले एट्रीब्यूट लिख लीजिए, मैं फिर समझा, और ये अपना अधिकार छोड़ते नहीं,
ये बहुत ही पोसेसिवनेस होते हैं, इनमें बहुत पोसेसिवनेस होता है। हम पोसेसिवनेस मतलब हिंदी में क्या बोलते हैं, मतलब पोसेसिवनेस होता है। नंबर दो वाले बहुत सेंसिटिव होते हैं और इंटिटिव भी होते हैं। ये शांति प्रिय होते हैं, बहुत इमोशनल होते हैं, बहुत इमोशनल होते हैं। नंबर 3, ऐसे लोग टीचर या सब्जेक्ट एक्सपर्ट होते हैं। ऐसे लोग टीचर सब्जेक्ट एक्सपर्ट बहुत क्रिएटिव होते हैं और साथ साथ ये भी बहुत ही इंट्यूटिव होते हैं, बहुत ही इंट्यूटिव होते हैं। नंबर 4, माइंड होता है ना, ऐसे लोग बहुत ही प्लानिंग इमेजिनेशन करते हैं। ऐसे लोग बहुत प्लानिंग और इमेजिनेशन करते हैं। चार नंबर वाले भी अच्छे लीडर होते हैं। एक नंबर वाला भी अच्छा लीडर होता है, इसलिए ना अच्छा लीडर होता है। एक नंबर वाला भी बहुत अटेंटिव होता है और चार नंबर वाला भी बहुत अटेंटिव होता है। पांच नंबर वाले यानी मेरक्यूरी, एक नंबर यानी सन, दो नंबर यानी मून, तीन नंबर यानी जुपिटर, चार नंबर यानी राहु, पांच नंबर यानी मेरक्यूरी के करस्पॉन्डिंग प्लैनेट इसको सन के रूप में देखते। ऐसे लोग बहुत डिसिप्लिन होते हैं, पांच नंबर वाले ऐसे लोग बहुत डिसिप्लिन होते हैं। बहुत ऑर्गेनाइज होते हैं, और बहुत ड्यूअल नेचर होता है। ऐसे लोग बहुत स्मार्ट भी होते हैं। ड्यूअल नेचर का मतलब है समय के साथ चेंज होते हैं। ऐसे लोग समय के साथ चेंज होते हैं, रिजिड नहीं होते। ऐसे लोग रिजिड नहीं होते हैं। ऐसे लोग रिजिड नहीं होते। बहुत स्मार्ट होते हैं, समय के साथ चेंज होते हैं। ऐसे लोग समय के साथ चेंज हो जाते हैं। नेक्स्ट है नंबर 6, नंबर 6 जो है ब्यूटी का होता है। इन्हें कहता हूं मैं आर्टिस्टिक और डिजाइनर। ऐसे लोग आर्टिस्टिक डिजाइनर हो, ये लोग आउट ऑफ द बॉक्स सोचने वाले होते हैं। ऐसे लोग आउट ऑफ द बॉक्स सोचने वाले होते हैं। आउट ऑफ द बॉक्स मतलब अपनी क्षमता से बाहर जाकर सोचते। ऐसे लोग अपनी क्षमता से बाहर जाकर सोचते। नेक्स्ट 7 नंबर,
सात नंबर का मैंने कहा था केतु है, जिसका दिमाग केतु के कॉन्टेक्स्ट में सुन लीजिए। सपोज पिंकी का सात नंबर है, दिमाग में क्या कैसे काम करेगी, कैसे काम करेगी, वो डॉक्टर सोनल के पास जाएगी, डॉक्टर सोनल ने जो बोल दिया वो कर देगी, और फिर उनके पास जाएगी अरविंद जी के पास, अरविंद जी ने जो बोल दिया वो काम कर, फिर आरती के पास जाएगी, आरती ने जो बोल दिया वो सुन लिया, मेरे पास आएगी, मैंने जो बोल दिया बोल दिया। तो क्या हो जाएगा ये कि अपना दिमाग यूज नहीं करे, सात नंबर है ना, दिमाग नहीं होता है ना, तो अपना दिमाग नहीं यूज करे तो क्या होता है, जिसके साथ बैठेगी उसका दिमाग यूज करेगी, तो क्या हो जाएगा ये, आरती क्या हो जाएगी, सॉरी पिंकी क्या हो जाएगी। हाँ जी पिंकी राणा जी, चलो जिसके साथ रहूंगी मैं वैसा ही बिहेव करने लगूंगी उसके जैसे, मतलब अपना दिमाग हाँ यूज नहीं करूंगी। नहीं करो तो फिर लास्ट में क्या होगा, तो अच्छा थोड़े दिन के बाद पता चला कि अरे चारों के चारों गलत थे भाई, राइट। जी तो क्या होगा, डिसअपॉइंट, सात नंबर वाले बहुत डिसअपॉइंट होते हैं। व्हाट इज योर एज पिंकी राणा, व्हाट इज योर एज, बहुत छोटी लग रही है। हाँ जी पिंकी राणा जी, जी सर 39। अच्छा ऐसी लगती तो नहीं हो, चलो चलो ठीक। हाँ जी तो क्या हो जाएगा, इसकी आवाज आ, हाँ जी जैसी संगत वैसी काम। हाँ, जैसी संगत वैसा ढल जाता है, काम हो जाएगा एक तरह से, कभी कभी अच्छा होता है, पर काम हो जाता है किसका, जिसका अब मेरे साथ रही तो मैंने जो बोल दिया काम कर दिया, क्यों, मेरा फायदा हुआ, बट उसका क्या हुआ, नुकसान हुआ, इसीलिए सात नंबर वाले डिसअपॉइंट रहते हैं लाइफ के अंदर, सात नंबर वाले डिसअपॉइंट रहते हैं, ये अच्छा काम करते हैं, ये एग्जीक्यूट कर सकते हैं, ऐसे लोग एग्जीक्यूट कर सकते हैं, चार नंबर वाले एग्जीक्यूट नहीं कर सकते, चार नंबर वाले इतना कभी एग्जीक्यूट नहीं कर सकते, प्लानिंग कर लेंगे, उनमें क्षमता नहीं होती काम को करने की, पर सात नंबर में प्लानिंग वगैरह कुछ भी नहीं कर सकता है, पर काम कर देगा, क्यों, दिमाग नहीं है, जैसे बोल दिया सुन लिया, मैंने बोला ऊपर से जाके बिल्डिंग से नीचे गिर जाएगा बच्चा, दिमाग नहीं है, तो बाद में पता चला कि हाथ पांव टूट गया, रे इसी को बोलते हैं डिसअपॉइंट। ओके नाउ नेक्स्ट, आठ नंबर, आठ नंबर है न्याय व्यवस्था का, जज का, शनि का नंबर है, शनि के चंगुल से कोई नहीं बच सकता है, गलती काम किया तो, ये आठ नंबर कर्मदाता है, जैसे करने वैसी भरने, इसीलिए कभी भी शनि के चक्कर में कोई पड़ गया तो काम कर, इसलिए आठ है वो, चक्कर व्यू है, चक्कर व्यू से बाहर नहीं निकल सकता, आठ चक्कर में, ऐसे लोग बहुत ऑर्गेनाइज डिसिप्लिन होते हैं, आठ नंबर वाले बहुत ही ऑर्गेनाइज होते हैं, डिसिप्लिन होते हैं, इनके मान सम्मान में कोई कमी नहीं होनी चाहिए, आठ नंबर, आठ नंबर के उनके मान सम्मान में कुछ कमी नहीं होनी चाहिए। न्याय व्यवस्था सब शनि की महाराज की, नेक्स्ट नौ नंबर, नौ नंबर मार्स का है, ऐसे लोग बहुत दयालु होते हैं, बहुत ही एग्रेसिव होते हैं, बहुत ही दयालु एग्रेसिव होते हैं,
ये बाहर से बहुत ही कड़क स्वभाव के होते हैं, अंदर से बहुत कोमल होते हैं, या इसको ऐसे बोल सकते हो, बाहर बहुत स्ट्रांग दिखेंगे, अंदर से कमजोर होते कोकोनट जैसा गुरुजी। हैं। हाँ जी, कोकर कोकोनट जैसा। कोकोनट क्या होता है मतलब, बाहर से कट होता है बहुत और अंदर से सॉफ्ट होता है। नेक्स्ट, 9 नंबर हमेशा सिक्योरिटी की बात, 9 नंबर सिक्योरिटी का, सिक्योर करने का कोई भी चीज। चल थोड़ा 1 नंबर 2 नंबर कैसे होते मैं बता रहे हैं। वो 10:30 हो गया। चले अब 1 नंबर कैसा होता है देखिए, सीधा होता है, अकड़ू होता है, तोड़ नहीं सकते उसे, झुका नहीं सकते, ये सर कटा सकते हैं मगर झुका नहीं, झुक नहीं सकता। अब 2 नंबर कैसा है, इमोशनल वाला है, इसकी अपनी चाल नहीं है, इसकी अपनी चाल नहीं है, जैसे चाहे उसे बोल लो। ओके, 3 नंबर क्या होता है, नॉलेज का भी लिख लीजिए, 3 नंबर चाहे गुरु का भी होता है, नॉलेज का भी होता है, 3 नंबर नॉलेज का भी होता है, गुरु का भी होता है, सब्जेक्ट का, एक्सपर्ट का भी होता है, सब्जेक्ट एक्सपर्ट का भी होता है, 3 नंबर नॉलेज का होता है, सब्जेक्ट एक्सपर्ट का होता है। तो ये क्या है, नॉलेज का है, पेट है ये पेट क्या है, बड़ा है, नॉलेज का बताता है इसको। 4 नंबर को बोला था मैंने गुंडा बोला था ना, 4 नंबर कैसे बैठता है, ऐसे बैठता है, गुंडे की तरह बैठता है, देखो गुंडे की तरह ऐसा सब आदमी को लगा दो, ऐसे कैसे बैठा है, आदमी की तरह पैर पैर डाल के बैठा, ड्राइंग में मैं बहुत अच्छा हूं। हाँ जी, 5 नंबर कैसा है, ऐसा है, चाल है, जैसे चाहे वैसे मोड़ लो इसको, समय के साथ अपने हिसाब से मोड़ मोड़ जाएगा। और मैंने 6 नंबर कैसे बताया था, आउट ऑफ द बॉक्स बताया था। ओके, ये बच्चा क्या है, ये माँ के गर्भ में पल रहे बच्चे की तरह है, ये आउट ऑफ द बॉक्स है, ये इस आउट ऑफ मतलब इस दुनिया से नहीं, बाहरी दुनिया से, तो ये आउट ऑफ द बॉक्स है, ये बच्चा है। 6, 7 कैसा है, साथ कैसा है, ऐसे है, लकड़ी की तरह है, बुड्ढे की लकड़ी की तरह से पकड़ के चलना पड़ता है, ये बुड्ढा है, किसी के सुन नहीं सकता है। ओके, 8 क्या है, चक्रव्यूह है, 8 क्या है, चक्र, उसके चक्रव्यूह से छूट नहीं सकते आप। 9 कैसा है, 1 नंबर ये है और 0 लगा दे तो सुरक्षा, 0 मतलब राउंड मतलब क्या बोलते हैं, सुरक्षा, और किसको सुरक्षा दे रहा है, 1 नंबर, 1 नंबर मतलब राजा, राजा यानी राज, उसको सुरक्षा दे रहा है, इसीलिए 1 नंबर जो है, सॉरी 9 नंबर जो है, 1 नंबर को सुरक्षा दे रहा है, इसलिए 9 नंबर ऐसे लिख। क्लियर होगा ये? हाँ जी, मैं फिर से रिक्वेस्ट करूंगा जो जो वीडियो बंद रखे ऑन रख लीजिए। हाँ जी, क्लियर होगा ये? इस तरह से कोई भी नंबर 1 to 9 नंबर को लिखते। आज का लास्ट टॉपिक है मैं देखता हूँ एक कौन सा टॉपिक होती है, नंबर एट्रीब्यूट हो गया, फैमिली रिलेशनशिप, फैमिली रिलेशनशिप लिख लीजिए, नंबर 1 to 9 डाल दीजिए, प्लैनेट के नाम लिख दीजिए, फिर बाद बाद में 2 मिनट में कर लीजिए। क्वेश्चन
हाँ जी एक नंबर क्या है, किसका है? फादर का है। एक नंबर क्या है? फादर का है। राजा है ना, तो तीन किस्म हो। एक राजा के दरबार में कितने लोग होते हैं? 9 लोग होते हैं इम्पोर्टेंट। ओके, अब दो चीजें, एक राजा के कॉन्टेक्स्ट में पढ़ेंगे, फिर हम अपने जीवन के कॉन्टेक्स्ट में पढ़ेंगे। एक नंबर क्या है? राजा होता है, राजा। और घर में कौन होता है राजा? फादर होते हैं। ही ऑलवेज वर्क फॉर द वेलफेयर ऑफ द फैमिली, तो वो राजा हो गया। ओके, और रानी होती है ना, रानी भी राजा के फेवर में काम करती है, इसलिए उसे क्वीन, उनको क्वीन कहते हैं या रानी कहीं। या आज के हिसाब से क्या है? मदर। मदर क्या है? शी टेक केयर ऑफ फैमिली। मून क्या है? टेक केयर करता है, इमोशनल होता है, राजा को टेक केयर करता है, इसीलिए वो क्वीन और मदर है। नंबर तीन क्या है? जुपिटर है, ये गुरु है। गुरु मतलब गुरु, पहले बोला था गुरु दो तरह के होते हैं, एक आध्यात्मिक गुरु होता है, एक बौद्धिक गुरु होता है। दोनों चीजों के बारे में जरूरी है। पुराने जमाने में एक ही चीज से पढ़ाते थे, आज अलग अलग चैप्टर पढ़ते। तो गुरु या टीचर, काउंसलर, मेंटर, सीनियर्स, ये सब गुरु के मतलब है। राहु, राहु का मतलब होता है रॉबिनहुड या गुंडा। ओके, या एल्डर्स इन द फैमिली, पर्सनल बॉडीगार्ड्स, पर्सनल बॉडीगार्ड्स, या पर्सनल सिक्योरिटी, पर्सनल सिक्योरिटी। नेक्स्ट है पांच, पांच यानी राजकुमार यानी प्रिंस। अपने घर में क्या है? अपने बेटे सन, इसके अलावा कजिन और फ्रेंड्स भी मेरक्यूरी में गिनते हैं। हाँ, मेरक्यूरी में गिनते हैं। छह नंबर वीनस का होता है, प्रिंसेस, राजकुमारी। हमारे घर की क्या है? हमारी बेटी, हमारी राजकुमारी। और साथ साथ पार्टनर्स को भी हम वीनस में गिनते हैं। केतु क्या है? प्रजा है। केतु क्या है? प्रजा है, या किड्स बोल सकते हैं, या फॉलोवर्स बोल सकते हैं, केतु का। और आठ नंबर क्या है? जज, सर्वेंट। आठ नंबर क्या है? सर्वेंट या जज, हमारे घर में जो काम करती है सर्वेंट, वो सब, या पब्लिक डोमेन पे काम करते जो सर्वेंट्स हैं, वो सर्वेंट्स। नौ क्या है? मार्स। मार्स यानी सेनाधिपति, सेनाधिपति या पुलिस डिपार्टमेंट, जो भी कहना है, जो पब्लिक लेवल पे सुरक्षा कर रहे हैं। एक पॉइंट याद रखना, चार और चार भी सुरक्षा कर रहा है, सिक्योरिटी गार्ड है। ओके, बट नौ भी सिक्योरिटी करता है, नौ पब्लिक की सिक्योरिटी करता है एट लार्ज, और चार नंबर वाला पर्सनल सिक्योरिटी करता है। एग्जाम्पल के लेते हैं, मोदी है या अमित शाह है, डिफेंस मिनिस्टर है, उनके बॉडीगार्ड्स है, उनको देश से मतलब है क्या? उनको मोदी जी को सेक्योर करना है, उस टाइम पे देश में क्या हो रहा है उनसे मतलब नहीं है, मतलब नहीं। मतलब नहीं, वो पर्सनल बॉडीगार्ड्स। अब आर्मी जो है वो पर्सनल बॉडीगार्ड का काम कर सकती है क्या? नहीं ना, उनका मतलब अलग है, एक ब्रॉडर प्रोस्पेक्टिव में है, इनका एक पर्सनल प्रोस्पेक्टिव है, इसीलिए दोनों अलग अलग सुरक्षा है। हाँ जी, यहाँ तक क्लियर हो गया सबको? एकदम जी सर। किसी को क्लियर नहीं हुआ, कोई लिख नहीं पाया तो रिकॉर्डिंग देता हूं, उसको एक बार जरूर समझ। ठीक है, कैसी लगी क्लास आज की? फीडबैक दे पाओगे कोई भी? वेरी नाइस। एक्सीलेंट हाँ जी डॉक्टर साहब, डॉक्टर सुनल जी, सर, इंटरेस्टिंग थी सर।
ओके okay. अब कहाँ से हो? नासिक सर। आप तो मेरी क्लाइंट हो ना? जी सर। पता नहीं आपका 1 महीने से मेरे पास का केस पटा। जी सर। अभी तक 10 बार लेके रखने की कोशिश कर, आज भी टेबल पे पड़ा हुआ है। पता आपका केस ही पड़ा हुआ अपने सामने, सब पे सब खत्म हो। पता नहीं आप, पता नहीं। चलो मत, कल कल ट्राई करते हैं, कल मॉर्निंग में। ओके ओके चलो। अच्छा, कैसी लगी क्लास? अच्छी लगी? जी जी सर, इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग। चलिए जी, तो आज का सेशन समाप्त करेंगे और कल मिलते हैं sharp 8:30। ओके, कम से कम 4, 5, 8, 10 डेट पे मूलांक, भाग्यांक, कुआ नंबर निकाल के लाइए और समझ में तभी आएगा। होमवर्क जरूर कीजिए और खुद ही इवैल्यूएट कीजिए, और नहीं समझ में आया तो कल 8:30 पर मुझे जरूर। चलिए, सबको राधे राधे। राधे राधे। राधे।